Hello, friends. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. This is CS of the Dua. I welcome you all to my YouTube channel. Kaise hain aap sab? I hope you all are doing good and your preparations are going good. Today, we'll be talking about the financial management test paper solutions because our institute, ICSI, has released the practice test papers for financial and strategic management and corporate and management accounting for new syllabus. So today, we'll be discussing the test paper of financial management only. I'll be giving you the solutions and will be discussing and guiding and explaining how the answers are coming. You'll be solving side by side. If you don't have the test paper, I request you to download that, take the printout of the test paper. I'll give the link in the description. It is available on our institute website. We'll be solving together when we will be revising all the concepts which are related to the question. Tabhi maza aayega, tabhi aapki sari revision भी हो जाएगी और सारा आपका टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होगा तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टेस्ट पेपर दिसंबर 19 के लिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स यू कैन एक्सपेक्ट 15 टू 20 मार्क्स पेपर समहाउ रिलेटेड इन दीज क्वेश्चन समहाउ रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर है तो हम सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे वी विल बी एलोकेटिंग द टाइम ऑल्सो और हम कंसेप्चुअली समझाते हुए कि ये आंसर क्यों आ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको यहाँ पे समझाएंगे राइट तो वी विल बी टॉकिंग ओनली एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टुडे एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं मैं वी विल बी टॉकिंग ओनली ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो लेट्स मूव अहेड वी विल बी हैविंग प्रैक्टिस टेस्ट पेपर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव 60 क्वेश्चंस तो हम एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो क्या हम तैयार हैं येस आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस टेस्ट पेपर एंड देन सॉल्व अलॉन्ग विद मी ताकि आपको समझ भी आए आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस भी आए एक आंसर्स लास्ट में दे रखे हैं लेकिन हमें वो नहीं देखने हम खुद इवैल्यूएट करके कि आंसर क्या आना चाहिए और कौन सा कंसेप्ट कहां से रिलेटेड है वो मैं आपको यहां पे रिवाइज करते हुए फॉर्मूला रिवाइज करते हुए कैसे आंसर्स निकलेंगे वो देखेंगे पहला क्वेश्चन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कुछ प्रैक्टिकल हैं कुछ इजी हैं कुछ एवरेज हैं कुछ डिफिकल्ट हैं तो जो डिफिकल्ट होंगे उसको हम रेड मार्क करके हाईलाइट करके एग्जाम से पहले डेफिनेटली रिवाइज करके जाएंगे शेयर होल्डर वेल्थ इन द फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर होल्डर वेल्थ हमने कहाँ पढ़ा था शेयर होल्डर वेल्थ हमने कहाँ पढ़ा था चैप्टर नंबर वन में पढ़ा था चैप्टर नंबर वन मेरा कौन सा था नेचर सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें मैंने क्या बताया था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों ही मेरे ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वेल्थ किसकी शेयर होल्डर की तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब होता है जहां पे मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर ये मैं अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहा हूं ऐसे मैं आंसर्स कंसेप्ट रिवाइज करते हुए आपकी रिविजन कराते हुए कराऊंगा तो शेयर होल्डर वेल्थ मेरा कब मैक्सिमम होता है जहां पे मेरा एमपीएस इज मैक्सिमम मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम है या केओ इज मिनिमम केओ क्या है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो शेयर होल्डर वेल्थ इन द फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट किया जाता है द नंबर ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म क्या वो नंबर ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म से रिप्रेजेंटेड है नहीं सिर्फ उससे नहीं है द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म एसेट लेस द बुक वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज नहीं इससे भी नहीं है द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय सैलरी पेड से मेरी शेयर होल्डर वेल्थ से क्या लेना देना नहीं इससे भी नहीं है द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक यस तो मेरा आंसर क्या है मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म कॉमन स्टॉक क्यों क्योंकि मेरा शेयर होल्डर वेल्थ वहां पे मैक्सिमम होता है जहां पे मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम है या तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम है मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है हमने ये कहाँ पढ़ा था नेचर सिग्निफिकेंस एंड स्कोप चैप्टर नंबर वन हम आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मैनेजर के बहुत सारी ड्यूटीज हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये भी मेरा चैप्टर नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप में फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या करता है। फाइनेंशियल मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज वॉट? मैक्सिमाइज ओनर्स वेल्थ, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनके वेल्थ। आप साइड में लिख सकते हैं ताकि आपको रिविजन में काम आए। हम ये मैक्सिमम शेयर करेंगे वीडियो, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फायदा हो। मेरे फाइनेंस मैनेजर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं। तो कौन से मेरे फॉलोइंग ड्यूटी इज द नॉट द ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर? बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से कोई एक ड्यूटी ऐसी होगी जो फाइनेंस मैनेजर की नहीं है। क्या फोरकास्टिंग द कैश फ्लो फाइनेंस मैनेजर की ड्यूटी होती है? यस होती है। क्या करता है फाइनेंस मैनेजर? बिकॉज फोरकास्ट करता है कैश फ्लो के लिए। व्हाई? बिकॉज मेरे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए क्या चाहिए? कैश चाहिए। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मैंने करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल में पढ़ाया था। तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मेरे कैश फ्लो की फोरकास्टिंग करता है। फोरकास्टिंग ऑफ द बिजनेस फ्यूचर, फोरकास्टिंग ऑफ द बिजनेस फ्यूचर क्या ये करता है? मुझे अभी नहीं समझ आ रहा कि ये करता है कि नहीं करता, क्वेश्चन मार्क है। बाकी के पॉइंट्स देखते हैं। रेजिंग फंड्स, क्या रेजिंग फंड्स मेरी ड्यूटी है फाइनेंशियल मैनेजर की? यस है। क्यों? क्योंकि मैं कहां से पैसा इकट्ठा करूं, मैं कहां से एलोकेट करूं, मैं कहां से फंड्स रेज करूं, मैं फंड्स कहां से रेज करूं सर? या तो मैं कहां से रेज करता हूं? डेब्ट से करता हूं, या तो इक्विटी से करता हूं, या तो प्रेफरेंस शेयर से करता हूं। ये मैंने कहां पढ़ा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में पढ़ा था। और मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसकी कॉस्टिंग निकालता हूं। तो फंड्स रेजिंग इज द ड्यूटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर, इट्स 100% ट्रू। फोरकास्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यस ये भी मेरी ड्यूटी होती है फाइनेंस मैनेजर की, क्योंकि वो फोरकास्ट बिजनेस के कैश फ्लोज के साथ साथ प्रॉफिट्स वो कितना कमाएगी वो भी करता है। तो मेरा आंसर क्या लग रहा है? विच इज नॉट द ड्यूटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर, फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस फ्यूचर। बिजनेस का क्या फ्यूचर है वो मेरा फाइनेंस मैनेजर फोरकास्ट नहीं करता है। तो कुछ टॉपिक आपको, सारी चीजें कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करके जो आपको बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट लग रहा है, आपको सारी चीजें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट डैश क्वेश्चन नंबर 3। Dash and dash are the two versions of goals. मेरे versions of goals of financial management of the firm. मेरे financial management के goals या जो मेरे financial management के objectives. अब goals को मैं क्या कह सकता हूँ? Objective कह सकता हूँ। मेरे कौन से objective हैं? Second option है profit maximization and wealth maximization. मेरे दो ही objective रहते हैं, profit and wealth maximization. Easy question, question from chapter number 1, basics, nature, significance and scope. तो मेरे या तो प्रोडक्शन की मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये नहीं है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, और यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो मेरे हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है सर, समझ आती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? अटेनिंग द प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या क्या मतलब है? अटेनिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मैक्सिमम आउटपुट। यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश की जाती है विद द मिनिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट या जो भी required input है। मैं profit को यहाँ maximize करता हूँ, और wealth maximization में मैं shareholders wealth की maximization की बात करता हूँ। ठीक है, ये इसमें सोलोमन साहब की भी हमने बात पढ़ी थी। मेरा यहाँ पे maximization का क्या मतलब है? जहाँ पे मेरा NPV maximum हो जाए। NPV कैसे निकालते हैं? Present value of cash inflows minus present values of cash outflows। ये कहाँ पे हमने सीखा? Capital budgeting में सीखा। तो सारी चीजें interlink करके, revise करके हम question solve करते जा रहे हैं। Next, which one of the following is not a discounted cash flow technique of capital budgeting? Capital budgeting हमने बहुत डिटेल में किया है। Capital budgeting में हमने क्या सीखा? Allocation of funds. Concepts revise करते हुए हमने allocation of funds, क्योंकि इससे आपके सारी revision भी हो जाएगी। Allocation of funds into profitable marketable securities. हमने पैसा इकट्ठा कर लिया business में, उसकी cost निकाल ली, cost of capital में, KE, KD, KRE, KP. हम allocate कहाँ करते थे? Fixed assets में और investments में, जो मेरे long
टर्म थे, तो मेरी कौन सी टेक्निक्स थी यहाँ पे? टेक्निक्स में मैंने क्या सीखा था? इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करने के लिए मेरी टेक्निक्स थी। दो तरीके की टेक्निक्स थी, एक डिस्काउंटेड, एक नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड कहाँ थी? जहां पे मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और नॉन डिस्काउंटेड कहाँ थी? जहां पे नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? जो आज का 1 रुपया है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द 1 रुपी 1 ईयर आफ्टर एंड 1 ईयर बिफोर। तो विच इज नॉट अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। एनपीवी क्या डिस्काउंटेड टेक्निक है? यस। एनपीवी कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज भी मैं आपको रिवाइज कराता जा रहा हूँ। आईआरआर, आईआरआर भी मेरा क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है। आईआरआर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, जहां पे मेरा एनपीवी क्या होता है? 0 है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है? सर हम भूल चुके हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, मेरा एक ही बच जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जो मेरा एवरेज रेट की बात करता है वो मेरा क्या है? नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो मेरा आंसर क्या बनता है? आंसर इज डी। ठीक है सर, दिस इज नॉन डिस्काउंटेड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सर्कल मार के क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मुझे चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और मुझे ऐसा लगेगा कि चारों की चारों ही सही हैं, लेकिन आई हैव टू ऑप्ट वन विच इज मैक्सिमम करेक्ट। तो हमें क्या क्या कंसेप्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं? कैपिटल बजटिंग एनपीवी, कैपिटल बजटिंग आईआरआर, कैपिटल बजटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मेरे सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं। अगर आपका कैपिटल बजटिंग अच्छे से कंसेप्चुअली क्लियर है तो आप ऑप्ट कर जाएंगे, नहीं तो आप फंसेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5th को इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएंगे। इफ ऑप्शन ए क्या कहता है? क्या ऑप्शन ए करेक्ट है? इफ द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन 0, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी इक्वल टू 0। मेरे को क्या कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं यहाँ पे? मेरा एनपीवी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये मेरा एनपीवी होता है। मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज। और मेरा आईआरआर क्या होता है सर? मेरा आईआरआर होता है, आईआरआर होता है वेयर एनपीवी इज इक्वल टू 0, जहां पे मेरा एनपीवी 0 हो जाए। तो मेरा एनपीवी जब 0 हो जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज। और आईआरआर पे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे कंसेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं जो मुझे इन तीनों से याद आते हैं। इफ द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब मेरा ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब मेरा प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव है। इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी इक्वल टू 0। कैसे 0 हो सकता है? अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव में है तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीवीसीआई डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोस। तो ये 0 नहीं हो सकता, इट विल बी अबव 0। ठीक है सर, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। इफ द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0%, द एनपीवी यूजिंग द डिस्काउंट रेट के यहाँ पे ग्रेटर देन 0 विल बी इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ? इफ द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट, आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जहां पे मेरा एनपीवी 0 है, वो अगर 0% है, इट्स एनपीवी यूजिंग द डिस्काउंट रेट के, जहां पे एनपीवी मेरा निकल रहा है, एनपीवी मेरा डिस्काउंट रेट के पे निकल रहा है, सपोज करो 10% पे, ग्रेटर देन 0 विल बी 0, विल बी 0? नो। व्हाई? बिकॉज
जहां पे मेरा एनपीवी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका क्या मतलब है? विल नॉट बी जीरो, यहाँ पे विल नॉट बी जीरो और यहाँ पे विल बी जीरो, तो एट IRR एनपीवी इज जीरो, यहाँ पे एनपीवी जीरो होता है। तो इफ द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0%, इट्स एनपीवी यूजिंग द डिस्काउंट रेट, कोई और परसेंटेज पे मेरा डिस्काउंट रेट 10% है और ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरा IRR क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? हमें एक बात पता है कि जहां पे मेरा IRR होता है, जहां पे मेरा IRR होता है वहां पे मेरा NPV जीरो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वन होता है, ये मुझे कंसेप्चुअली पता है। तो इफ द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0%, इट्स NPV यूजिंग द डिस्काउंट रेट ग्रेटर देन जीरो, मेरा ग्रेटर देन जीरो का डिस्काउंट रेट है मतलब 10% है, तो वहां पे विल बी जीरो, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है? इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेस देन वन, इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज, अगर ये लेस देन वन है, लेस देन वन कब होगा? जब मेरा लेस देन वन कब होगा? जब मेरे आउटफ्लोज ज्यादा हैं, आउटफ्लोज मेरे ज्यादा हैं और इनफ्लोज मेरे कम है, तब मेरा ये लेस देन वन आएगा, ठीक है। इट्स एनपीवी शुड बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कब होगा? ये जहां पे मेरा प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज, तो क्या मेरे यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज ज्यादा है इनफ्लोज से, तभी ये लेस देन वन आ रहा है, और यहाँ पे एनपीवी शुड बी लेस देन जीरो मतलब जब मेरे आउटफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू के ज्यादा है इनफ्लो से, तो मेरा एनपीवी नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा, तो मेरा ये स्टेटमेंट करेक्ट दिख रही है, मेरा सी ऑप्शन ऑप्ट कर जाऊंगा मैं। डी ऑप्शन, इफ द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट के, अगर मेरा IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन द डिस्काउंट रेट के, इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी लेस देन वन एंड इट्स एनपीवी विल बी ग्रेटर देन जीरो, जहां पे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन वन है, कहां पे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन वन होगा? जहां पे मेरा प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज मेरे लेस होंगे प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज से, तभी मेरा लेस देन वन होगा। मेरा इनफ्लोज अगर ज्यादा होंगे तो ग्रेटर देन वन है, आउटफ्लो ज्यादा होंगे तो लेस देन वन है, आउटफ्लो ज्यादा है तो एनपीवी विल बी ग्रेटर देन जीरो, नो एनपीवी विल बी नॉट ग्रेटर देन जीरो, इट विल बी नेगेटिव लेस देन जीरो, तो ये भी मेरा गलत हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए जहां पे चार स्टेटमेंट्स दे दी और आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट सही बताओ, तो यहाँ पे बहुत कंसेप्ट लग जाते हैं। आपने यहाँ पे देखा मेरा एनपीवी, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कैपिटल बजटिंग के बेसिक सारे कंसेप्ट यहाँ पे मेरे लग गए, यहाँ पे हल्के से भी मैं कंसेप्चुअली हिला तो मैं यहाँ पे गलत ऑप्शन चूज कर लूंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो डेफिनेटली थोड़े से दिमाग लगाने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या हम साथ साथ हैं? आपको समझ आना चाहिए, समझ के कंसेप्चुअली हम कर रहे हैं, फॉर्मूलेज रिवाइज कर रहे हैं, कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं और आपको मैं सॉल्व कराता जा रहा हूँ। व्हाट इज द अर्निंग प्राइस पर शेयर, EPS मुझे निकालना है ऑफ द कंपनी दैट अर्न 1 लाख लास्ट ईयर इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, हैज 2 लाख कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग एंड 1.2 मिलियन इन रिटेल earnings at year end. 1.2 millions का क्या मतलब है? 1 million is 10 lakh. 1.2 into 10 lakh will be equal to 120 lakh. This will be my reserves. मेरे इतने reserves हैं. 1.2 millions की बात हो रही है. तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया? यहाँ पे मतलब हो गया दोस्त, 0.2 मिलियन विल बी इक्वल टू 12 लाख, मेरा 12 लाख यहाँ पे बनता है। मेरा क्वेश्चन मांग क्या रहा है? ईपीएस, ईपीएस निकलता कैसे है? सबसे पहले ईपीएस का फॉर्मूला याद आना चाहिए, अर्निंग्स दैट आर अवेलेबल फॉर, अर्निंग्स किसके लिए अवेलेबल होते हैं? फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड किससे करते हैं हम? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक है सर, याद आ रहा है हमें। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मैं ले सकता हूँ, 1 लाख का मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रहा
रखा है, और मेरे 2 लाख क्या है कॉमन शेयर्स हैं, 2 लाख क्या है कॉमन शेयर्स हैं, तो मेरा ईपीएस कितना आ जाना चाहिए, 0.50 आना चाहिए। दिस इज माय आंसर। मेरे रिटेन अर्निंग्स में जितने मर्जी आउटस्टैंडिंग पड़े हो उससे क्या लेना देना, मेरा ईपीएस से कुछ लेना देना है? मेरा ईपीएस अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मेरे रिटेन अर्निंग्स क्या होते हैं, पिछले साल के जो अर्निंग्स इकट्ठे हो रहे हैं, मैं जो प्रॉफिट कमाता हूं, मैंने आपको पूरी एफएम में क्या बताया, पूरी एफएम में यही बताया कि प्रॉफिट्स या तो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डिविडेंड्स में, या तो रिटेन कर लिए जाते हैं डिविडेंड्स में, रिटेन कर लिए जाते हैं बिजनेस में। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, यहाँ पे यही बात हो गई कि जो ये मेरा रिटेन अर्निंग दे रखा है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि इसमें मेरे पिछले साल के सारे रिटेन अर्निंग्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन पे हैं। क्या हम समझ समझ के कर रहे हैं? इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं, कैपम, CAPM, विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बीटा कोफिशिएंट मुझे दे रखा है, रिस्क फ्री रिटर्न मुझे दे रखा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी फ्रॉम द मार्केट, मेरा क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट भी दे रखा है। क्या हमें कैपम का फॉर्मूला याद है? मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, क्या निकालना है, KE। तो KE एज पर कैपम क्या होता था, रिस्क फ्री रिटर्न, क्या फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, प्लस बीटा कोफिशिएंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो इसको फॉर्मूले में लगाएंगे, माई रिस्क फ्री रिटर्न इज 9%, बीटा इज 1.4%, एक्सपेक्टेड रिटर्न 16%, 9%। इसको सॉल्व करेंगे मेरा कितना आ जाएगा, 9 + 9.80, दिस 18.80%, मेरा 18.80 आंसर इज ए। तो मेरे को सिर्फ फॉर्मूला लगाना है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हमने कहां पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। The degree of super leverage or combined leverage would be calculated by, मेरी leverages के chapter की अगर मैं बात करूं, leverages में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, leverages are the tools to measure the risk, risk हम कैसे measure कर सकते हैं, finance operating risk मेरा कैसे measure होता है, और degree of operating leverage से, मेरा financial risk मेरा कैसे degree of financial leverage से, और combined leverage मेरा कैसे measure होता है degree of combined leverage से। तो मेरा इन दोनों को कैसे मैं करता था, ये मैं मल्टीप्लाई करता था, मेरा क्या और मेरा क्या फॉर्मूला था, कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज में कैसे निकालता था, डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता था, यहां पे ऑप्शंस क्या है, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, एडिशन, तो मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज माय राइट आंसर। कहां कहीं भी फॉर्मूला आपको भूला, या कहीं भी आपको कहीं भी छोटी सी बात स्किप करी माइंड से, तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग मॉडल फॉर एसर्टनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स, मेरा यहाँ पे कहां से चैप्टर, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, डिविडेंड। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, फिर वहां पे पहुंच के कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा कंसेप्ट है, फिर दिमाग को चलाना है। सबसे पहले डिविडेंड का क्वेश्चन है, मेरा डिविडेंड में अलग अलग मॉडल्स थे, जहां पे मैंने क्या पढ़ा था, जहां पे मैंने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी, डिविडेंड की थ्योरीज क्या कहती थी, कुछ थ्योरी कहती थी कि डिविडेंड मेरा क्या है, डिविडेंड मेरा रेलेवेंट है, सर्टेन है, और यहाँ पे कुछ मेरी इरेलेवेंस या अनसर्टेनिटी की बात करती थी। मेरा जो फॉर्मूला था, जो मेरा प्रोफेसर जेम्स वॉल्टर ने दिया था, उसने क्या कहा था, प्राइस विल बी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई, ईपीएस माइनस डीपीएस सब डिवाइडेड बाय के ई, मेरा यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही पूछ रहा है कि ये वाला फॉर्मूला किसने दिया, क्या मोदी गिलानी मिलर ने दिया, नहीं दिया, मायरन गॉर्डन ने दिया, नहीं दिया, ये मेरा वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला है जिसमें मैं डिविडेंड को कंसिडर करता था। तो मेरे को सारे फॉर्मूले जाने चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कौन से भाई साहब ने दिया है। तो वही बात है,
कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ मोदी गिलानी एंड मिलम। मेरे को एजम्पशन मोदी गिलानी एंड मिलम मॉडल की ध्यान रखनी है और मुझे ये बतानी है कि कौन सी एजम्पशन नहीं है मोदी गिलानी एंड मिलर की। सर मोदी गिलानी एंड मिलर की थोड़ी सी बात करो, मोदी गिलानी एंड मिलर में क्या मैंने डिविडेंड से ही, डिविडेंड की कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, डिविडेंड से ही क्वेश्चन है। डिविडेंड मोदी गिलानी एंड मिलर जिससे मैं प्यार से एमएम कहता हूं, उन्होंने क्या कहा कि डिविडेंड डू नॉट इफेक्ट, डिविडेंड इफेक्ट नहीं करता किसे, वैल्यू ऑफ फर्म को। मेरी वैल्यू ऑफ फर्म डिविडेंड से इफेक्ट नहीं होती, मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहती है, सोली डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंडेंट है, ऑन इट्स अर्निंग पावर्स, ऑन इट्स अर्निंग पावर, जितनी भी उनकी अर्निंग पावर है उस पे डिपेंडेंट है, मेरी डिविडेंड पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एजम्पशन क्या है, मेरे को सबसे पहले मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल याद आना चाहिए, फिर उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए, उसकी सारी एजम्पशन याद आनी चाहिए, फिर कौन सी एजम्पशन नहीं है वो मेरा आंसर है। तो आप देख रहे हैं इतने आसान इतने ईजी नहीं है एमसीक्यूज जितने हमें लग रहा है कि हम इजिली इजिली गेस कर लेंगे, इजिली गेस नहीं होगा, यहाँ पे बहुत बहुत कंसेप्ट नॉलेज चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जम्पशन ऑफ मोदी गिलानी एंड मिलर। मेरी परफेक्ट कैपिटल मार्केट की एग्जम्पशन मोदी गिलानी एंड मिलर लेता है, यस, बिकॉज पहली एग्जम्पशन ही यही है, मोदी गिलानी एंड मिलर कहते हैं कि मेरी जो मार्केट है क्या होनी चाहिए, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस, क्या ये एग्जम्पशन लेता है, यस ये भी लेता है। एंड यहाँ पे और क्या है, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, यस वहां पे लिखा हुआ है इग्नोर टैक्सेस, टैक्सेस की कोई लेनी देनी नहीं है, ये भी है। तो मेरा ये वाला पॉइंट मेरा आंसर लग रहा है यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये वाली एजम्पशन नहीं लेता। तो मेरा आंसर क्या है, सी, क्योंकि मुझे वो एजम्पशन बतानी है जो एमएम थ्योरी नहीं लेती। डिविडेंड पे आउट रेशियो की यूनिटी की कोई बात नहीं करता, देर इज नो समथिंग, देर इज नो एजम्पशन की मेरी डिविडेंड पे आउट रेशियो फिक्स रहना चाहिए, एक कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए, इसकी कोई एजम्पशन नहीं है। नो सच कंडीशन यहां पे हम लिखेंगे, कोई सच कंडीशन नहीं है और हमारा आंसर सी हो जाता है। क्या हम साथ साथ हैं, यस, हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल 60 क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 11th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो फॉर डिसाइडिंग द डेब्ट कैपेसिटी ऑफ द फर्म। यहां पर मैंने क्या पढ़ा, यहां पर मेरे को क्या बताना है, कवरेज रेशियो बताना है। कवरेज रेशियो मैंने कहाँ पढ़ा था, मैंने डेब्ट कैपेसिटी का कवरेज रेशियो पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था फैक्टर्स इफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर में, मेरे क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सारे कवरेज रेशियो मैंने कहाँ पढ़े हुए हैं, रेशियोज के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। रेशियोज मैंने कहाँ कराया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कराया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या मेरा डिसाइड करता है डेब्ट कैपेसिटी का, नहीं करता। ये क्या डिसाइड करता है कि मेरा ईबीआईटी कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को पे करने के लिए ईबीआईटी कितना अवेलेबल है। मेरा कैश फ्लो कवरेज रेशियो करता है, पता नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो मेरा कवर डेब्ट कैपेसिटी कवर करता है, नाम से अगर बच्चा है, बच्चा माने तो डेब्ट कैपेसिटी मुझे यहाँ दिख रहा है और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मुझे ये आंसर लग रहा है, मुझे नहीं पता। फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो क्या मेरी यहाँ पे कवर करता है, नहीं करता, फिक्स्ड एसेट्स की वो बात करता है। तो मुझे यहाँ पे ये दो ऑप्शन लग रहे हैं, तो मैंने क्या किया, केबीसी का 50-50 कर लिया, ए काट दिया, डी काट दिया, जहां पे मुझे आंसर नहीं आएगा मैं ऐसे एलिमिनेट करूंगा। अब मुझे बात करनी है कैश फ्लो कवरेज रेशियो की और डेब्ट कवरेज रेशियो की। डेब्ट कवरेज रेशियो मेरा क्या बात करता है, मेरी कैश पेमेंट्स टू बी मेड की बात करता है। डेब्ट कवरेज रेशियो में मेरी कैश पेमेंट्स में क्या मेरी कैश पेमेंट्स हैं, जिसमें मेरे प्रेफरेंस डिविडेंड आते हैं, मेरा इंटरेस्ट आता है, मेरा डिबेंचर्स के इंटरेस्ट हैं, और मेरे कैश कितना अवेलेबल है वो मेरा कौन बता
बताता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, तो मेरा ये भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरी कैश पेमेंट की बात कर रहा है और मेरा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कैश फ्लो कवरेज रेशियो। ये मेरा कवरेज रेशियो है जो मेरे को डेब्ट कैपेसिटी की बात करता है, मोस्ट सुटेबल है। कवरेज रेशियोज मैंने रेशियोज में आपको सारे करा रखे हैं, तो ऐसे जहां पे मुझे गड़बड़ लगे, जहां पे मुझे नहीं समझ आए, तो मैं कहां कौन सा ऑप्ट करूंगा, मैं यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्ट कर दूंगा। ठीक है सर, समझ आती है बात? कई क्वेश्चंस मुझे भी डिफिकल्ट लग रहे हैं तो मैं ऐसे ऑप्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज KE, सबसे पॉपुलर, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है? नो डाउट कौन सा है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM, जिसको मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको कैपम से कराया। मेरा डिविडेंड यील्ड मॉडल भी है, गॉर्डन मॉडल भी है, अर्निंग यील्ड मॉडल भी है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, KE को कंप्यूट करते हुए मैंने आपको सारे मॉडल्स करा रखे हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है, जो सही इंफॉर्मेशन देता है, सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करके बीटा की इंफॉर्मेशन को, रिस्क को इवेल्युएट करता है, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल फैक्टर इफेक्टिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात यहाँ पे दिख रही है, विच इज नॉट द इंटरनल फैक्टर, मतलब बाकी सारे मेरे इंटरनल फैक्टर होंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता कैसे है भाई साहब? मेरा जब मैं KE निकालता था तो वेट ऑफ इक्विटी प्लस KP इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेब्ट, मैं इसको क्या निकाल लेता था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या KO। ये मैंने कहाँ सीखा था, कौन से चैप्टर में मैंने सीखा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल फैक्टर इफेक्टिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म, जब मेरी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेरा इंटरनल फैक्टर लग रहा है, क्योंकि जितने इन्वेस्टमेंट्स मैं करूंगा उस हिसाब से मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म भी मेरा फैक्टर लग रहा है, क्योंकि मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में क्या पढ़ के आया कि मेरा ऑप्टिमम होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं इक्विटी इक्विटी यूज करूंगा, इक्विटी लाऊंगा बिजनेस में तो KE इफेक्ट हो जाएगा। मैं प्रेफरेंस लाऊंगा तो मेरा प्रेफरेंस का KP इफेक्ट हो जाएगा। डेप्ट यहाँ पे बिजनेस में लाऊंगा तो KD इफेक्ट हो जाएगा। तो इससे मेरा क्या इफेक्ट हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फैक्टर मुझे लग रहा है। डिविडेंड पॉलिसी फॉलो, डिविडेंड पॉलिसी का भी मेरे को फैक्टर लग रहा है, क्योंकि मेरी डिविडेंड पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट था। डिविडेंड पॉलिसी अलग अलग मेथड से वॉल्टर साहब अलग कहते थे, मेरा जो डिविडेंड मॉडल है डिविडेंड पॉलिसी का क्यों मैं कह क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा जो बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रॉफिट या तो डिविडेंड, ये मैं सब अपने कंसेप्ट्स यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं रट रहा, कुछ नहीं सम कर रहा, सिर्फ जो मेरी नॉलेज है कंसेप्ट से वो यूज कर रहा हूँ। प्रॉफिट जो मेरे होते हैं या तो उसको मैं रिटेन करता हूँ और या तो मैं उसको डिविडेंड पे कर देता हूँ। अगर मेरा डिविडेंड और रिटेन अर्निंग से मेरा क्या बनता है, KRE, KRE भी मेरा क्या आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आता है। डिविडेंड की पॉलिसी, डिविडेंड कम है तो मेरा रिटेन अर्निंग ज्यादा होगी, डिविडेंड अगर ज्यादा है तो मेरी रिटेन अर्निंग्स कम होगी, तो वो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फैक्टर इफेक्ट कर जाएगा। मार्केट रिस्क प्रीमियम ऑफ द फर्म, ये मेरा आंसर सही है, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर नहीं है जो इफेक्ट कर जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म को। ठीक है सर, मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म में मोस्ट कॉमन अप्रोच, ये कहाँ हमने पढ़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, कंपेयरिंग डेब्ट और इक्विटी ऑल्टरनेटिव। हमने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर किया और EPS को कैलकुलेट किया, इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट किया। तो मेरा कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है, मेरा मोस्ट कॉमन अप्रोच है फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस, फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द फर्म
firm is positively affected by which of the following? Financial leverage of the firm is फाइनेंशियल लीवरेज निकलता कैसे है, क्यों निकालते हैं हम फाइनेंशियल लीवरेज, किसके लिए निकलता है? मेरे फाइनेंसिस के लिए निकलता है. इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. जब मैंने फाइनेंशियल लीवरेज आपको बताया तो मैंने फाइनेंशियल लीवरेज का क्या बात करी? जब मैंने फाइनेंशियल लीवरेज की बात करी तो मैंने उसको कहा कि वो दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. ये मैंने सब पढ़ा रखा है. पॉजिटिव है तो वो मेरा क्या है? फेवरेबल है. नेगेटिव है तो मेरा क्या है? फेवरेबल का क्या मतलब है? फेवरेबल का क्या मतलब है दोस्त? फेवरेबल मींस व्हेन कंपनी अर्न्स, जहां पे कंपनी अर्न करती है मोर ऑन एसेट्स परचेस्ड. एसेट्स पे जब मेरे को ज्यादा कंपनी अर्न करती है, दैट इज पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज. नेगेटिव क्या है? जहां पे वेयर कंपनी डू नॉट अर्न्स एज मच, डू नॉट अर्न एज मच as fund cost. मेरी जितने fund की cost है उतना में मेरी company नहीं कमा पाती है. Financial leverage arise कब होता है? जब मेरे fixed finances cost है, जो fixed financing cost है उसको मैं कवर करता हूँ, जैसे इंटरेस्ट ऑन डेट्स. तो फाइनेंशियल लीवरेज इन द फर्म इज पॉजिटिवली इफेक्टेड. पॉजिटिवली इफेक्टेड का क्या मतलब है? पॉजिटिव जो मेरा फेवरेबल है. कब मेरा पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा? मेरे इंटेंसिटी ऑफ द टैंजिबल एसेट से. इंटेंसिटी ऑफ द टैंजिबल एसेट इज माय राइट आंसर. इंटेंसिटी ऑफ द टैंजिबल एसेट क्या है? मेरा राइट आंसर है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल लीवरेज पॉजिटिवली इफेक्ट इससे हो जाता है. ऑपरेटिंग लीवरेज से भी नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी से भी नहीं होता, टैक्स से भी नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 16th. Which combination of the following two statements A and R is correct? So A and R, two mere statements hai. The IRR of the project is the discount rate which reduces its NPV to zero. IRR kya hai? Mera rate of return hai, jo maine kahan padha hai? Capital budgeting mein. कैपिटल बजटिंग में डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, डिस्काउंटेड टेक्निक्स पे मैंने पढ़ा है. IRR इज रेट ऑफ रिटर्न, एक डिस्काउंट रेट है जहां पे एनपीवी जीरो को कन्वर्ट कर देता है. मुझे ये सही लग रहा है. क्यों? क्योंकि एट IRR ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जहां पे एनपीवी इज जीरो एंड प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज. दोनों सेम होंगे तो मेरा एनपीवी जीरो है. दिस इज राइट. द प्रोजेक्ट इज वर्थ एक्सेप्टिंग इफ द IRR एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मेरे IRR के डिसीजंस जो मेरे थे कि मैं कब उसको एक्सेप्ट करूंगा, डिसीजन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था. क्या बताया था? जब मेरा IRR ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो एक्सेप्ट कीजिए, जब मेरा IRR लेस देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो प्रपोजल को रिजेक्ट कीजिए. तो यही बात है. द प्रोजेक्ट इज वर्थ एक्सेप्टिंग इफ द IRR एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो मैं एक्सेप्ट करता हूं. तो दोनों ही मेरी स्टेटमेंट सही है. मैं आंसर किसको ऑप्ट करूंगा? मैं आंसर बी को ऑप्ट करूंगा. व्हाई? बिकॉज बी बोथ ए एंड आर इज आर करेक्ट. दोनों स्टेटमेंट्स मेरी करेक्ट है. नेक्स्ट, विच कॉम्बिनेशन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड आर इज करेक्ट? कंपनी शुड पे मिनिमम डिविडेंड. कंपनी शुड पे मिनिमम डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. मेरे को कंपनी को मिनिमम डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स पे करना चाहिए. एंड डिविडेंड्स आर हेविली टैक्स देन कैपिटल गेन्स. क्या लग रहा है आपको? कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. कंपनी शुड पे मिनिमम डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, ये कुछ हद तक ट्रू है, क्योंकि जहां पे मेरी रेलेवेंस थ्योरीज हैं जो मैंने डिविडेंड के चैप्टर में पढ़ी. रेलेवेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं जो मेरा कहती हैं कि डिविडेंड मेरा इफेक्ट कर जाती हैं? जैसे मेरा वॉल्टर मॉडल है, गॉर्डन मॉडल है, उनके हिसाब से मिनिमम डिविडेंड कंपनी को पे करना चाहिए इन एक्सपेक्टेशन ऑफ देम टू सैटिस्फाई द शेयर होल्डर्स. ये मेरा
ट्रू मैं इसको कहूंगा, सही है। डिविडेंड आर हेविली टैक्स देन कैपिटल गेन्स। क्या आपको ये सही लग रहा है? जो मेरे डिविडेंड्स हैं वो हेविली टैक्स देन कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन तो हमने इनकम टैक्स में पढ़ा है, इनकम टैक्स हमारा टैक्सेशन में से हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, हम उसमें क्या निकालते हैं, कैपिटल गेन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है, ठीक है, 15%, 20%, वट एवर द रेट इज, ये सब हम पढ़ के आए हैं। तो डिविडेंड कह रहा है हेविली टैक्स्ड है देन कैपिटल गेन। क्या डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स लगता है? यस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दैट इज DDT, जिसको मैं क्या कहता हूं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये कौन पे करता है सर? कंपनी पे करती है जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, DDT। तो हेविली टैक्स है देन कैपिटल गेन, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ट्रू, बिकॉज जो मेरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट है 17.65% है, प्लस चार्ज इसके ऊपर लगता है, प्लस सेस इसके ऊपर लगता है, और कम से कम 220.357% के आसपास इतने पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मुझे टैक्स कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। मेरा कैपिटल गेन से ज्यादा हेविली टैक्स मेरा डिविडेंड होता है एज पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन नंबर 105O ऑफ विच एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखने वाली बात यह है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स मेरी करेक्ट है। यहाँ पे मजे की बात यह है कि आपका डिविडेंड का कंसेप्ट चेक किया, आपके इनकम टैक्स का भी कंसेप्ट चेक किया, डिविडेंड्स कैपिटल गेन से लिंक करके यहाँ पे आपको पूछ लिया। डिविडेंड्स, यस आर डिविडेंड्स आर हेविली टैक्स देन कैपिटल गेन्स, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी इज इम्प्लाइड इन। मेरी डिविडेंड की जो थ्योरीज हैं, इररिलेवेंस हाइपोथेसिस कहते हैं, मेरी जो थ्योरीज थी डिविडेंड की, इररिलेवेंस हाइपोथेसिस मतलब इररिलेवेंट थ्योरीज। जो मेरी थ्योरीज मैंने कहाँ पढ़ाई सर? मैंने डिविडेंड के ही चैप्टर में पढ़ाई कि कहीं डिविडेंड की थ्योरीज ऐसी थी जो कहती थी डिविडेंड इज रेलिवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म, इफेक्ट इन द वैल्यू ऑफ द फर्म, और कुछ ऐसी थी जो नहीं कहती थी। तो मेरी कौन सी ऐसी थी सर जो मेरी इरेलीवेंट थी? MM, दैट इज मोदी गिलानी एंड मिलर में जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, उसने कहा था कि मेरी क्या है, डिविडेंड इज इरेलीवेंट, डिविडेंड डू नॉट इफेक्ट। MM ने क्या कहा था? डिविडेंड डू नॉट इफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म, मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल ने कहा था डिविडेंड इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, पैलो ऑल्टो इंडस्ट्रीज हैज अ डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 1.6 कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 1.4। दिस मींस दैट द कंपनी, यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो है, यहाँ पे मान के चलना कि रेशियोज के भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखेंगे। रेशियो आपके FM में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, कवरेज रेशियो में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं। रेशियोज हमने कहाँ पढ़ा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं पढ़ा के आया हूं, आपको सेम वही रेशियोज वहां से कवर करने हैं, ठीक है। अब बात आती है डेप्ट इक्विटी रेशियो निकलता कैसे है। डेप्ट इक्विटी रेशियो निकलता है डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अगर मेरा इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, ऑल्टो इंडस्ट्रीज हैज अ डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 1.6 कंपेयर्ड विद द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 1.4, दिस मींस मतलब मेरी डेप्ट इक्विटी रेशियो पैलो ऑल्टो की 1.6 है और इंडस्ट्री एवरेज 1.40 है, तो ये मतलब ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा, विल नॉट एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी विद द क्रेडिटर्स, नहीं इससे मतलब ये नहीं है, लेस लिक्विडिटी से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, इट विल बी व्यूड एज अ हाई क्रेडिट वर्थनेस भी नहीं है, ये आंसर है, हैज ग्रेटर देन एवरेज फाइनेंशियल रिस्क व्हेन कंपेयर टू द अदर्स इन द इंडस्ट्री। मेरा फाइनेंशियल रिस्क ग्रेटर है देन एवरेज फाइनेंशियल रिस्क, जो मेरा इंडस्ट्री में यहाँ पे 1.4 डेप्ट इक्विटी रेशियो पे फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क मेरा कौन कैलकुलेट करता है? डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये मेरा इंडस्ट्री से ज्यादा किसका है? मेरी पैलो ऑल्टो इंडस्ट्रीज का। इट हैज, द कंपनी हैज, कंपनी का क्या है, एवरेज फाइनेंशियल रिस्क
ग्रेटर व्हेन कंपेयर टू द इंडस्ट्री, ये फाइनेंशियल रिस्क मेरा ज्यादा लेके आएगा. डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज मोर, जहां पे 1.6 है इसका मतलब है कि मेरी इस इंडस्ट्रीज ने डेब्ट, मेरा जो उधार है वो इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा ले रखा है, तभी ये 1.6 आ रहा है, राइट. तो मेरा इसका मतलब ये है फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है. नेक्स्ट, क्या हम समझ पा रहे हैं? वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 20. टू इंक्रीज द गिवन प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी. अब हमने प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने समझा, और उसके बाद कैपिटल बजटिंग में हमने उसको बहुत ज्यादा यूज किया. लेकिन क्या हम ऐसे सोच सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कि अगर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, गिवन प्रेजेंट वैल्यू To increase the given present value मेरे को बढ़ानी है, तो मेरा जो discount rate है जिस पे मैं discounting करता था, जिसको मैं KE कहता था, अगर वो 10% है, तो वो उसको मैं क्या करूँ, discount rate को बढ़ाऊँ या घटाऊँ? Example लेते हैं, example पे मुझे नहीं पता क्या answer है. अगर मेरे पास 1,000 rupees, 10,000 rupees है, और मुझे present value factor year one की लेनी है 10% के हिसाब से, तो मेरा आता है 0.909 और यहाँ पे आ जाता है 9090. दिस इज माय प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है. अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, इसको बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं मेरा जो डिस्काउंट रेट है इसको बढ़ाऊं या कम करूं? अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा अगर मैं इसको 11% पे डिस्काउंट करता हूं, तो फर्स्ट ईयर पे मेरा आएगा, कैलकुलेटर पे करेंगे, 0.901. मेरी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 9091. तो क्या प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हुई? नहीं हुई. अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूं, मैं इसको 9% पे डिस्काउंट करता हूं, तो 0.917 पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एंड 9170 विल बी माई प्रेजेंट वैल्यू. तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू 9090 से 9170 बढ़ गई. तो इट मींस टू इंक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड अपवर्ड्स, सॉरी नॉट अपवर्ड्स, इट शुड बी डाउनवर्ड्स. मेरे को 10 से 9% पे आना पड़ेगा, तभी मैं क्या करूंगा, तभी मेरी यहां हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. इट विल बी अप, इट विल बी डाउनवर्ड्स. तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड्स की यहाँ इसको ऑप्ट कर जाऊंगा, ठीक है. समझ आता है, रटना कुछ नहीं है, एनालाइज करके क्वेश्चन को एग्जाम्पल में फ्रेम करके मैंने आपको यहाँ पे आंसर दिया. नेक्स्ट, इफ द कंपनी इश्यूज बोनस शेयर्स, द डेब्ट इक्विटी रेशियो विल. जहां मेरा बोनस शेयर की बात आई, तो क्या हमने बोनस शेयर यहाँ पे एफएम में पढ़ा? नहीं पढ़ा. हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बोनस शेयर पढ़ा. अब मेरे को इस क्वेश्चंस में देख के ये लग रहा है कि मेरा रेशियोज भी यहाँ पे पूछा जा रहा है. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बोनस शेयर जो मैंने आपको शेयर्स के चैप्टर में कराया था सेक्शन 63 में, कि इश्यू कैसे करते हैं बोनस शेयर का, यहाँ पे मेरे को बोनस शेयर डेप्ट इक्विटी रेशियो से लिंक करके पूछ लिया. तो सी द लेवल विच विल बी देयर इन द एग्जाम्स, विच इज देयर इन द क्वेश्चन. बोनस शेयर्स बच्चे आपने आपने बच्चे ने पढ़ रखा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो मैंने पढ़ाया. डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकलता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी. मैंने जब आपको कहा था बोनस शेयर्स में, बोनस शेयर्स सेक्शन 63, तो बोनस शेयर्स क्या है? फ्री शेयर्स इश्यू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम फ्री शेयर्स देते हैं. बोनस शेयर्स का थोड़ा दिमाग में आइडिया लाते हैं. और मेरे को डेब्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी. जब मैं बोनस इश्यू करता हूं, जब मैं बोनस शेयर्स करता हूं, बोनस देता हूं, तो मेरा डिक्रीज इन क्या हो जाता है? रिजर्व्स हो जाते हैं, ठीक है सर. मेरा डिक्रीज इन रिजर्व्स हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि मैं रिजर्व्स में जो पैसा पड़ा है उसी में से तो मैं बोनस देता हूं, ठीक है, उसी को कैपिटलाइज करता हूं. और मेरे इंक्रीज हो जाती है कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल. और मेरी जो नेटवर्थ है, ये मैंने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, नेटवर्थ अनइफेक्टेड रहती है, ये मैंने पढ़ रखा है. तो मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट, डेप्ट तो मेरा यहाँ पे सेम रहने वाला है, इक्विटी में कुछ फर्क हो सकता है. तो मेरा बोनस शेयर्स में जब मेरे रिजर्व्स कम हो जाएंगे, मेरे रिजर्व्स कम हो गए,
इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हो गया, यहाँ पे मुझे शेयर कैपिटल लेनी है, ये इंक्रीज हो गया, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। क्यों? अगर सपोज करो 1 लाख रुपीज की डेब्ट था, अभी भी उतना ही है, और इक्विटी मेरी इंक्रीज हो गई 50,000 से, पहले मेरा 1 लाख था तो 1,50,000 हो गई, तो मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो इम्प्रूव कर गया, इक्विटी मेरी बढ़ गई। तो इस हिसाब से मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो से बोनस शेयर्स अगर मेरे इश्यू करते हैं तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में मेरा क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन सूर्यांश लिमिटेड, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये हमने कहाँ सीखा था? वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में सीखा था। वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को सर्कल लगा के क्या मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाई, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का अगर मैं कंसेप्ट याद करूं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम विद इन विच द कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज रिकवर्ड बैक इन कैश। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने कैसे समझाया था, ऑपरेटिंग साइकिल मैंने समझाया था कि यहां मैं कैश बिजनेस में, कैश मेरा बिजनेस में है, मैंने यहाँ पे कैश लिया, कैश से मैं क्या खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल को मैं क्या करता हूँ, लेबर को एम्प्लॉय करके वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फिनिश गुड्स में जनरेट करता हूँ, फिनिश गुड्स को मैं सेल करता हूँ क्रेडिट पे, तो मेरे डेटर्स खड़े हो जाते हैं और मेरे को फिर वो कैश देते हैं। तो इनके बीच में जितना भी टाइम है उसे मैंने क्या कहा था, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेरा निकल जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में मैं क्या कंसिडर करूंगा, रॉ मटेरियल में कितना मैंने होल्ड किया, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड, डेटर्स का कलेक्शन पीरियड और पेमेंट्स का मेरा पेमेंट पीरियड। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल याद आता है। यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्यांश लिमिटेड है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेरा 2 लाख रुपए दे रखा है, 2 लाख मेरा रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस 3 लाख, फिनिश गुड्स 180, रिसीवेबल्स मेरे 3 लाख है, रिसीवेबल्स किसके लिए है, एवरेज रिसीवेबल्स मेरे डेटर्स के लिए है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, पेबल्स मेरे किसके लिए है, क्रेडिटर्स के लिए है, एवरेज रॉ मटेरियल स्टोर परचेज टू कॉन क्रेडिटर पर डे, ये भी पर डे है, 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 तो पर डे इंफॉर्मेशन हो जाए तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 360 और 52 और 12 नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये पर डे इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल विल बी इक्वल टू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, फॉर्मूला क्या है मेरा सर हम भूल चुके हैं, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस मैंने कितना समय होल्ड किया। मैंने इसमें क्या एग्जांपल दिया था आपको, अगर मैं शर्ट्स बना रहा हूं तो मेरा रॉ मटेरियल क्लॉथ है, शर्ट्स बनाते हुए लेबर एम्प्लॉय करी, वर्क इन प्रोग्रेस मेरी कटिंग्स हैं, फिनिश गुड्स मेरी प्रॉपर शर्ट है, उसको मैंने कितना होल्ड किया, दैट होल्डिंग पीरियड, प्लस मैं क्या करूंगा, प्लस मैं करूंगा एवरेज कलेक्शन पीरियड, विच कलेक्शन पीरियड, जिससे मेरे डेटर्स रियलाइज हो गए, माइनस मैं करूंगा एवरेज पेमेंट पीरियड, विच पेमेंट पीरियड, अगर मैंने कोई क्रेडिट पे परचेजेस कर रखी है, क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीद रखा है। ठीक है, समझ आती है बात। ठीक है सर, तो यहाँ पे मेरे को कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, मेरा कैसे निकलेगा, मेरे को कैलकुलेट करना है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड में कैसे निकालूंगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 लाख मुझे दे रखा है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैं यहाँ पे पेन चेंज कर रहा हूँ, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल इन द स्टोर्स, यहाँ पे 10,000, ये मेरा आ गया रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, प्लस मैं करूंगा वर्क इन प्रोग्रेस का एवरेज स्टॉक 3 लाख, मैं 3 लाख लूंगा, डिवाइडेड बाय वर्क इन प्रोग्रेस का मेरा पर डे 12,500, प्लस फिनिश गुड्स मेरे हैं 180, डिवाइडेड बाय 18,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस मेरा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड के लिए मेरे डेटर्स
3 लाख के मेरे डेटर्स और मेरी क्रेडिट सेल्स एवरेज सेल्स पर डे 20,000, मेरी क्रेडिट सेल्स 20,000 माइनस माइनस में करूंगा क्या, माइनस में करूंगा परचेजेस पेबल्स 180, मेरी क्रेडिट परचेजेस है 180 डिवाइडेड बाय मैंने क्या परचेज किया होगा क्रेडिटर्स क्रेडिट पे, मेरे जब परचेजेस क्रेडिट पे होती हैं तो उसके लिए मेरा क्या बनता है एवरेज पेमेंट पीरियड। मैं अगर बिजनेसमैन हूं तो मैं क्या क्रेडिट पे खरीदूंगा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इन द स्टोर्स ऑन क्रेडिट मेरे यहाँ पे 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा क्या आएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 दिस विल गिव मी 20 प्लस दिस विल गिव मी 3 लाख डिवाइडेड बाय 12,500 दिस विल गिव मी 24 प्लस दिस विल गिव मी 10, उसके बाद 3 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 मेरा आ जाएगा 15 माइनस 18। मैं अगर इसका टोटल लगाऊं 20 प्लस 24 प्लस 10 प्लस 15 माइनस 18 दिस विल बी 51 days। तो क्या मेरा 51 days ऑप्शन है, यस माई आंसर इज डी। क्या हम साथ साथ हैं, यस हम समझ के फॉर्मूला लगा के समझ रहे हैं, मेरा आंसर 51 days डी आ चुका है। वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है, ऑपरेटिंग साइकिल का मैंने कंसेप्ट रिवाइज करा दिया। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, वो समय वो टाइम विद इन विच द कैश इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट इज रिकवर्ड बैक। निकलता कैसे है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड माइनस एवरेज कलेक्शन पीरियड जो मेरे डेटर्स से कलेक्शन में टाइम लग रहा है माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड अगर मैंने कोई क्रेडिट पे परचेजेस ले रखी है। राइट आगे बढ़ते हैं सर, हम 23rd पे हैं। रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज विद डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कंपेयर्ड। रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज मेरी डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, मेरी रिस्क एनालिसिस इन, ये कहां से मेरा क्वेश्चन है, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। सर मैंने ये करा रखा है, कैपिटल बजटिंग में जब हम रिस्क एनालिसिस करते हैं बहुत से ऑप्शंस हैं जहां पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट डिसीजन ट्री और मेरा क्या पढ़ा था मैंने सेंसिटिविटी, बहुत सी चीजें पढ़ी थी। तो जहां पे रिस्क ऑफ टू सिक्योरिटीज विद डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो उसको बेस्ट कंपेयर कहाँ से किया जा सकता है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन से। ये मेरा बेस्ट कंपेयर करता है जिसे मैं प्यार से सीवी भी कहता हूं। ठीक है सर, डिफरेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग आ जाता है। इफ द प्रोजेक्ट इज टू बी कंपेयर्ड इन्वॉल्व डिफरेंट आउटफ्लोज तो मेरा यहाँ पे डिफरेंट आउटफ्लोज में जहां पे भी कंपैरिजन है, कंपैरिजन की बात है और जो मेरे आउटफ्लोज हैं या मेरे रिटर्न जो है डिफरेंट है, मेरा बेस्ट क्या बताता है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन मेरा कंप्यूट करता है। नेक्स्ट, द पोर्टफोलियो हैविंग टू रिस्की सिक्योरिटीज कैन बी टर्न रिस्कलेस। मेरे अगर पोर्टफोलियो में, ये कहां से क्वेश्चन आया है, मेरा पोर्टफोलियो के चैप्टर से आया है। मेरा पोर्टफोलियो हैविंग टू रिस्की सिक्योरिटीज, मेरे दो सिक्योरिटीज हैं ए एंड बी, दोनों इक्वली रिस्की हैं, कैन बी टर्न्ड रिस्कलेस इफ द सिक्योरिटीज आर कंप्लीटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। क्या ये आपको लग रहा है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अगर कंप्लीटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो मेरी सिक्योरिटीज रिस्कलेस नहीं हो सकती। इफ द कोरिलेशन रेंजेस बिटवीन 0 to 1 यहाँ पे भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, द सिक्योरिटी कंप्लीटली नेगेटिवली कोरिलेटेड यहां पे हो सकती हैं। अगर मेरी पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटीज हैं और उसको मैं रिस्क लेस टर्न करना चाहता हूं, कब होगी, जब सिक्योरिटीज आर कंप्लीटली नेगेटिवली कोरिलेटेड। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो के चैप्टर से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मैंने कहां पढ़ा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। अकाउंट्स फॉर कौन सा रिस्क,
इसमें हम जब रिस्क कैलकुलेट करते हैं, रिस्क कहाँ से कैलकुलेट होता है? बीटा से। बीटा किसको कौन सा, बीटा किसको कौन सा रिस्क कैलकुलेट करता है? मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क सर बीटा मैंने क्यों कहा? क्योंकि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में रिस्क फ्री रिटर्न बीटा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ये जो बीटा है मेरा क्या कैलकुलेट करता है? सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क को मैं क्या कहता हूँ? मार्केट रिलेटेड रिस्क। मार्केट रिस्क कौन सा है? जो मेरा इंटरेस्ट रेट है, जो मेरा इन्फ्लेशन है, जो मेरा मार्केट से रिलेटेड है। तो मेरा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कौन सा मेरा रिस्क कैलकुलेट करता है? सिस्टमैटिक रिस्क। आर यू विद मी? यस। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 26। पोर्टफोलियो, ये कौन से चैप्टर से है? पोर्टफोलियो से है। पोर्टफोलियो कंप्राइजेस ऑफ टू सिक्योरिटीज ए एंड बी, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बोथ द सिक्योरिटीज 12 एंड 16 रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। मुझे क्या निकालना है? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकलता है? सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए 12% इंटू, इफ द सिक्योरिटी ये कॉन्स्टिट्यूट 40%, मेरा 40% ए का है, प्लस मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का क्या है? 16%। 16% और मेरे वेट से मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूट बी कितना करेगा? 60%। तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ, 12 × 40 4.80 प्लस 9.60, ये मेरा कितना निकल जाता है? 14.40। 14.40 इज माय आंसर। मैंने जब भी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, मुझे दो सिक्योरिटीज दे रखी हैं, तो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न और मैंने क्या करना है? वेट्स पे मल्टीप्लाई कर देना है जितना भी वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो मैंने 12% उसका रिटर्न है और 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये 60% कैसे आया? रिमेनिंग 1 − 40% मेरा 60% आ गया। ठीक है, समझ आती है बात। 27 पे आते हैं। नेट इनकम अवेलेबल टू द कॉमन स्टॉक होल्डर। नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी। नाम ध्यान देंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं कौन, क्या कह रहे हैं हम? नेट इनकम दैट इज अवेलेबल फॉर स्टॉक होल्डर जो कॉमन है, डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी इज यूज टू कैलकुलेट। मुझे फॉर्मूला किसका ये दे रखा है? रिटर्न ऑन अर्निंग पावर का नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई का नहीं है, हम कॉमन इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो ये रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी की यहाँ बात हो जाती है, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट भी नहीं है। थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दे दिया, डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे कॉमन इक्विटी ले रहा हूं, तो मेरा यहाँ पे रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी का फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। नेक्स्ट, इफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी कैन इफेक्ट इट्स कैपिटल थ्रू। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता कैसे है? हम के ई निकालते थे, मल्टीप्लाई करते थे वेट्स ऑफ इक्विटी, प्लस के डी निकालते थे, मल्टीप्लाई करते थे वेट्स ऑफ डेट, प्लस के पी निकालते थे, मल्टीप्लाई करते थे वेट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ भी कहता था। ठीक है सर। इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल द कंपनी कैन इफेक्टिव कैपिटल कॉस्ट थ्रू। कैपिटल कॉस्ट थ्रू किस किस चीजों से इफेक्ट हो रही है? द पॉलिसी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की अलग अलग पॉलिसीज हैं, ऑप्टिमम कैसे मेंटेन करना है हम देख चुके हैं, तो उसके हिसाब से भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की इफेक्ट हो जाती है। यस, हो जाती है। पॉलिसी ऑफ द डिविडेंड्स, डिविडेंड कितना कंपनी बांटेगी, डिविडेंड्स के हिसाब से क्या इफेक्ट हो जाती है? यस, हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेरे प्रॉफिट्स होते हैं या तो वो डिविडेंड में बढ़ जाते हैं या तो वो क्या होते हैं, मेरे रिटेन हो जाते हैं। अगर रिटेन होंगे तो क्या बनेंगे? रिटेन अर्निंग्स बनेंगे, और मेरे रिटेन
अर्निंग्स के लिए मैं KRE निकालता था, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स के मेरी प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मेरा वो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट कर जाता है. यस, पॉलिसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, कब मैच्योर होगी, कैसे मुझे रिटर्न देगी, वो भी मुझे इफेक्ट कर जाती है. तो मेरा बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, ऑल ऑफ द अबव. इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी कैन इफेक्ट्स स्कोप कैपिटल कॉस्ट. कैपिटल कॉस्ट जो भी है, कैपिटल कॉस्ट किससे इफेक्ट हो सकती है, पॉलिसी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर से भी, पॉलिसी ऑफ द डिविडेंड से भी, पॉलिसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट से भी. तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने. 29, अ रिस्क एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट एंड वे कंसिडर्ड बाय अ वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक होल्डर इज क्लासिफाइड एज. मेरा जो रिस्क है, क्वेश्चन समझेंगे, रिस्क एसोसिएटेड विद अ प्रोजेक्ट एंड वे कंसिडर्ड बाय अ वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक होल्डर इज क्लासिफाइड एज एक्सपेक्टेड रिस्क, बीटा रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क और रिटर्निंग रिस्क. मेरे को लग रहा है बीटा रिस्क. क्यों? क्योंकि मेरा बीटा रिस्क क्या कैलकुलेट करता है, मार्केट रिलेटेड रिस्क. मार्केट रिलेटेड रिस्क को मैं कैसे और क्या किस नाम से जानता हूँ, सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क जो मेरा है कौन कैलकुलेट कर देता है, बीटा कैलकुलेट करता है. ठीक है, रिस्क एसोसिएटेड जितना भी है बाय एंड वे कंसिडर्ड बाय द वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक होल्डर, जो मेरे स्टॉक होल्डर हैं, जो मेरे शेयर होल्डर हैं, उस जो मेरे मार्केट के जो रिलेटेड रिस्क हैं उनको कंसिडर करते हैं और वो मेरा बीटा रिस्क होता है. ठीक है सर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं. इफ द फ्यूचर रिटर्न ऑन द कॉमन स्टॉक इज 14% एंड द रेट ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड इज 5%, देन द करंट मार्केट रिस्क प्रीमियम विल बी. मतलब मेरा फ्यूचर रिटर्न ऑन द कॉमन स्टॉक 14% है, रेट ऑन ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स मेरा रिस्क फ्री रेट देगा क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जैसे मेरा फिक्स डिपॉजिट होता है. तो 5% मेरा क्या हो गया, 5% मेरा हो गया रिस्क फ्री रिटर्न. द फ्यूचर रिटर्न ऑन द कॉमन स्टॉक ये मेरा क्या हो गया, फ्यूचर के ई. तो फ्यूचर के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा, बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम. मार्केट रिस्क प्रीमियम के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा. ये मेरा 14% है, रिस्क फ्री रिटर्न मेरा 5% है, बीटा जब मेरा कुछ भी ना दे रखा हो तो मैं 1 अज्यूम करता हूँ या इग्नोर करता हूँ. और मेरा करंट मार्केट रिस्क प्रीमियम, मेरा मार्केट रिस्क प्रीमियम यहाँ पे निकल जाएगा, मार्केट रिस्क प्रीमियम. तो मेरा मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना आ गया सर, मार्केट रिस्क प्रीमियम विल बी इक्वल टू 14 माइनस 5, दैट विल बी इक्वल टू 9%. अगर मैं परसेंटेज में बात ना करूं तो 0.09 इन फिगर्स. तो मेरा आंसर 0.09 है. क्यों? क्योंकि मेरा ये परसेंटेज में नहीं दे रखा, ये मुझे नॉर्मल फिगर्स में दे रखा है. आप ये वाला ऑप्शन चूज कर जाते लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, नॉर्मल फिगर है. राइट, यह सब परसेंटेजेस हैं, यहाँ पे परसेंटेजेस नहीं है, तो हम 0.09 ऑफ करेंगे. यही कंफ्यूजन होती है एग्जाम में. तो हमारा आंसर विल बी बी 0.09. वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 31. हम 31 में हैं. इफ द पे आउट रेशियो 0.45 देन द रिटेंशन रेशियो विल बी. हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि रिटेंशन रेशियो विल बी इक्वल टू 1 माइनस पे आउट रेशियो, क्योंकि मेरा पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो प्लस करके टोटल बनता है. तो 1 माइनस 0.45 विच विल बी इक्वल टू 0.55, ये मेरा बन जाएगा रिटेंशन रेशियो. माई आंसर इज 0.55, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है सर, समझ आती है बात. ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 32 करना है और 32 को हम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड मैंने क्या कहाँ कैलकुलेट किया था, कैपिटल बजटिंग में. क्या आपको कुछ याद है? नहीं सर, हम भूल चुके हैं क्योंकि हम कैपिटल बजटिंग छोड़ चुके हैं क्योंकि हमारा बहुत लेंथी चैप्टर है. छोड़ना नहीं है दोस्त, हमें सब करके जाना है. पे बैक पीरियड में
क्या मेरी पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड टेक्निक थी या नॉन डिस्काउंटेड थी? मेरी पे बैक पीरियड नॉन डिस्काउंटेड एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक थी, ठीक है। मेरा यहाँ पे व्हाट इज द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट 1,20,000? 1,20,000 मुझे क्या दिख रहा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स मेरी कितनी है? 1,20,000। एंड वुड यील्ड आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज मेरे 20,000 फर्स्ट ईयर में आएंगे, 22,000 सेकेंड ईयर, 25,000 थर्ड ईयर, 27,000 फोर्थ ईयर, 48,000 फिफ्थ ईयर एंड 50,000 सिक्स्थ ईयर। तो मेरे 6 सालों में अलग अलग कैश फ्लोज रिकवर हो रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूंगा? क्यूमुलेटिव। मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाऊंगा। मैं अगर आंसर की बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरा कैश फ्लो पहले साल का कितना है क्वेश्चन में? 20,000। सेकेंड ईयर का 22,000। थर्ड ईयर का इज गिवन एज 25,000। फोर्थ ईयर का मुझे दे रखा है 48,000। फिफ्थ ईयर का मुझे दे रखा है, नो, फोर्थ ईयर का मुझे दे रखा है 27,000 एंड फिफ्थ ईयर का मुझे दे रखा है 48,000। सिक्स्थ ईयर का मुझे दे रखा है 50,000। मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है सर? मैंने कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। क्यूमुलेटिव क्या होता है? पहले साल का मेरा आ जाएगा 20,000। सेकेंड ईयर में मैं 20,000 में 22,000 ऐड कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा 42,000। 42,000 में मैं क्या ऐड कर दूंगा? 25,000। दिस विल बी 67,000 फॉर थर्ड ईयर। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 67 प्लस 27, मेरा आ जाएगा 94,000। यहाँ पे मेरा 48,000 94 में ऐड हो जाएगा 142,000 एंड लास्ट में 50,000 ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 192,000। ये मैंने क्यों किया? व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज? में हर साल इसको ऐड करता जा रहा हूँ, इसको फिर ऐड करता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कैश फ्लोज की जो रिकवरी है हर साल सेम नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स तो मेरी कितने समय में रिकवर होगी? पे बैक पीरियड का मतलब क्या था? मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स कितने समय में, 1,20,000 कितने टाइम में रिकवरी हो रही है, दैट इज माय पे बैक पीरियड। तो मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस का सम करते हुए नेक्स्ट ईयर में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो भी मेरा यहाँ पे दोनों जहाँ पे मेरा जहाँ पे भी जितने भी टाइम पीरियड पे 1,20,000 की रिकवरी हो जाए वह मैं यहाँ पे मेरा पे बैक पीरियड है। सर ये निकलेगा कैसे? मैं यहाँ पे देखूंगा मेरा फोर्थ ईयर पे मेरा मेरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है 94,000 एंड फिफ्थ ईयर पे मेरा है 1,42,000। हमने दोनों के बीच में टाइम पीरियड ऐसा है जहां पे मेरा कैश फ्लो रिकवरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स रिकवर हो रहे हैं, दैट इज 1,20,000, ठीक है। तो वो मेरा 4 और 5 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे 4 और 5 के बीच में 3 ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं तो किसको मैं ऑप्ट करूं? तो मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा IRR जैसे मैं निकालता हूं। तो मुझे यहाँ पे 4% प्लस 90,000 माइनस 1,20,000 94,000 मैंने यहां से उठाया, इसका और इसका मैंने क्या किया? डिफरेंस लिया। और उस डिनोमिनेटर में मैं क्या रखूंगा? 94,000 माइनस 1,40,000 और इंटू मैं करूंगा 5 माइनस 4, तो मेरा यहाँ पे क्या निकल आएगा? मैं इसको सॉल्व करूं, लेट मी टेक द कैलकुलेटर। मैं कैलकुलेटर पे 94,000 माइनस 1,20,000 26,000 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मेरा यहाँ पे आ जाएगा 4% प्लस 26,000, यहाँ पे माइनस माइनस ऊपर कैंसिल हो जाएगा एंड 94 माइनस 142 दिस विल बी 48,000 इंटू 1, तो मेरा आ जाएगा 26,000 डिवाइडेड बाय 48,000 इंटू 1 प्लस 4 4.5416%, कुछ नॉट परसेंट ईयर्स 4.54
तो मेरा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, 4.50। 4.50 मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर कह सकता हूँ 4.5 साल के आसपास मेरा 4.50 में मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे रिकवर हो जाते हैं। तो आपको समझ आ रहा है मेरा यहाँ पे निकला कैसे, ये IRR की तरह निकला। क्यों? क्योंकि मेरे को पे बैक पीरियड निकालना है और हर साल मेरे इन्वेस्टमेंट्स की रिकवरी, हर साल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स की रिकवरी है। पे बैक पीरियड क्या है कैपिटल बजटिंग में? विद टाइम विद इन विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स इज रिकवर्ड बैक। तो 1,20,000 कैसे रिकवर हुआ? 4.5 साल में रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम कैपिटल बजटिंग बहुत अच्छे से करके आए हैं। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 33। क्या हम 33 करने के लिए तैयार हैं? यस, वी आर ऑन 33। हम यहाँ पे व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद 3 ईयर लाइफ and the cost of 32,000 generates revenue of 8,000, 12,000 in year 2, 17,000 in year 3. This is year 3. यहाँ पे year 3 के printing error है, if the discount rate is 5%. मेरा discount rate मैं यहाँ पे solve कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे discount rate क्या है, 5% है, और मुझे क्या निकालना है, NPV, present values of cash inflows, माइनस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोस। तो मेरे प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोस कैसे निकलेंगे? 32,000 विल बी माई प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोस। ये मेरा क्या है, कॉस्ट है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोस। क्योंकि मेरी कैश आउटफ्लोस तो है और इनिशियली हो रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके 32,000 जनरेट्स रेवेन्यू ऑफ 8,000। फर्स्ट ईयर में मेरा 8,000 का रेवेन्यू है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से फर्स्ट ईयर के 12,000, 17,000, 12,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 17,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस में करूंगा कितना, 32,000 प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोस। अब मेरा डिस्काउंट रेट अगर 5% है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे निकालूंगा एट 5%? कैसे निकलते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.05। कैलकुलेटर पे फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.05, मेरा आ जाता है 0.952। तो मैं लिखूंगा 0.952। सेकेंड टाइम इज इक्वल टू, मेरा आ जाएगा 0.907। थर्ड टाइम इज इक्वल टू, मेरा आ जाएगा 0.864। तो मैं अब कैलकुलेट करूंगा 8,000 इंटू 0.952, 12,000 इंटू 0.907, 17,000 इंटू 0.864, तीनों का सम माइनस 32,000, मेरा आ जाना चाहिए 1188। मेरा 1188 आंसर सी है। आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 1188 प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी निकल जाता है। एनपीवी कैसे निकला, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोस। ठीक है सर, समझ आती है बात? ठीक है, हमें आगे बढ़ना है। वी आर ऑन 34। हम 33 कर चुके हैं, वी आर ऑन 34। हम क्या देख रहे हैं, 34। हम 34 को क्या लगाएंगे, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द कंपनी विद द सेल्स ऑफ 1 लाख यूनिट्स एट 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख एंड फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख, नेट प्रॉफिट्स 2 लाख। तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट मेरा कैसे निकलता है? सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट मैं कैसे निकालता हूँ, यूनिट्स में निकालता हूँ। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच द EBIT इज निल। जहां पे मेरा उस लेवल की सेल्स की बात हो रही है, वेयर व्हाट EBIT इज निल, मेरा प्रॉफिट क्या है, निल है। तो मैं इस सेल्स, मेरी सेल्स कितने जगह पे होगी जहां पे मेरा EBIT निल हो जाएगा। तो मेरा इसका मतलब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ यूनिट्स में। कैसे निकाल सकता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी है 3 लाख रुपीज, मुझे दिख रही है 3 लाख रुपीज, और मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना चाहता हूँ। मेरा कंट्रीब्यूशन 5 लाख है, 5 लाख ओवरऑल रुपीज में है, और यूनिट्स में मेरे कितने हैं, 1 लाख रुपीज। 1 लाख मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट्स, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 5, ये मेरा निकल आता है 60,000। 60,000 मेरा आ गया ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, लेकिन मुझे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है, तो पर यूनिट मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा जो मेरी सेल्स का है, तो मेरा यहाँ पे 60,000 इंटू 10 मेरा क्या बन जाएगा, 6 लाख। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 6 लाख रुपीज है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मैं यूनिट्स में पहले निकालूंगा, उसके बाद मैं उसको पर यूनिट की जो मेरी सेल है उसको मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकाल लूंगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है सर। यहाँ पे हम ये लीवरेजेस में पढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कहता है, अ फर्म विद अ हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश व्हाइल वन विद अ हाई फाइनेंशियल लीवरेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। तो मेरा सबसे पहली क्या बात है, लीवरेज के चैप्टर के सारे कंसेप्ट मुझे याद आने चाहिए। लीवरेजेस में मैंने क्या पढ़ा था, लीवरेजेस आर द टूल्स टू मेजर द रिस्क, मेरा रिस्क मेजर करता है, रिस्क मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज DOL मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज है, और फाइनेंशियल लीवरेज DOFL ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो मेरा है ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। मेरा यहाँ पे ऑप्शंस देखता हूं मैं, अ फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरी क्या ऑप्शन बनता है, हाई फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जहां पे मेरी हाई फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वहां मेरा मतलब है कि मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है, ठीक है। एंड यहाँ पे जहां पे मेरा हाई फाइनेंशियल लीवरेज होगा वहां पे मेरी हाई फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ पे फाइनेंशियल लीवरेज क्या निकाल रहा है, फाइनेंशियल कॉस्ट की लीवरेजेस निकाल रहा है, फाइनेंशियल कॉस्ट से जो रिलेटेड रिस्क है वो कैलकुलेट कर रहा है। अगर वो हाई है तो तभी वो हाई होगा जब मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट हाई है, और यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग लीवरेज जो मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो मेरा रिस्क एसोसिएटेड है वो निकाल रहा है तो वो तभी हाई होगा जब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा। तो मेरा बेस्ट ऑप्शन क्या है, सी है, ठीक है सर। ध्यान रखते हुए वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 36। 36 बात करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट शुड। अब मेरी बात आती है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने कहां पढ़ा था, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने क्या कहा था कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब हम नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करते हैं, तो जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालता हूं तो मेरी अगर उनको इक्विटी या प्रेफरेंस को फ्लोट करने की कोई मार्केट में कॉस्ट है तो वो मेरे नेट प्रोसीड से माइनस हो जाती है। तो मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या ऑप्शंस है, शुड शुड बी ignored while analyzing a project while flotation cost, and ये ignore नहीं की जाती, consider की जाती है, ये तो गलत है। Be average over the life of the project, thereby reducing the cash flows, average नहीं की जाती। Only be considered when two projects have the same NPV, ऐसा भी नहीं है। Be included in the initial cost of the project before the net present value of the project is computed. Yes, हम इसको initial cost of the project में ही compute कर लेते हैं, include कर लेते हैं। अपने जब नेट प्रोसीड्स में इनिशियल कॉस्ट मेरी कहां पे है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में KE या KP में, मैं जब नेट प्रोसीड से डिवाइड करता हूं तो मैं फ्लोटेशन कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हुए माइनस कर लेता हूं। तो माय आंसर इज डी। मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने कितने भयंकर तरीके से यहां टेस्ट हो रहे हैं। मेरे फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इतना 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 अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ आपको बता दिया, लेकिन उसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्चुअली बहुत बहुत
आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, राइट। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 37, क्या हम बोर हो रहे हैं या हमें मजा आ रहा है? हमें मजा आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको डेफिनेटली आंसर्स निकलने चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे सारे रिविजन भी हो रहे हैं। मिस्टर वर्मा, वर्मा साहब एक है, मिस्टर वर्मा इज इवेल्युएटिंग टू कन्वेंशनल इंडिपेंडेंट कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स। इंडिपेंडेंट कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स है मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स मेरा मतलब कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, मेरा दिमाग कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में जा रहा है। ठीक है सर। एक्स एंड वाई, बाय मेकिंग द यूज ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, RADR मेथड। तो मेरा कैपिटल बजटिंग का रिस्क एनालिसिस का जो मेरा रिस्क एनालिसिस में मैंने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट पढ़ाया था, वहां पे मेरे को सोचना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मेरा दिमाग चलेगा। तो मिस्टर वर्मा इज इवैल्यूएटिंग टू कन्वेंशनल इंडिपेंडेंट कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई बाय मेकिंग यूज ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड ऑफ एनालिसिस। प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई हैव इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 16% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट appropriate to the project X is 18%, while the project Y RADR is only 10%. The company overall weighted average cost of capital is 14%. Mr. Verma should accept the proposal, या कौन सा accept करे, कौन सा reject करे। तो बात ही आती है सर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। हमने कंसेप्ट्स में पढ़ा था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कब देना पड़ता है, जब मार्केट रिस्की हो और मेरा इन्वेस्टर जो है ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसको मैं कैसे निकालता था, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। मेरे को रिस्क प्रीमियम और रिस्क फ्री रिटर्न को सम करके क्या देना होता है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब मुझे दो इंडिपेंडेंट कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, मुझे कौन सा एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है? सर अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इसको छोड़ देंगे या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो करके इसको गेस करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना, समझना है, अभी आंसर हम निकाल लेंगे। मेरा यहाँ पे डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहता है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का मैंने आपको डिसीजन क्राइटेरिया बता रखा है। हम एक्सेप्ट तभी करते हैं प्रपोजल को only when risk adjusted discount rate is less than weighted average cost of capital. mera jo risk adjusted discount rate hai except main proposal tab karta hu jab mera wo less than weighted average cost of capital hai. theek, risk adjusted discount rate ka decision criteria kya hai, except only when रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज लेस देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जिसमें कम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। मेरा प्रोजेक्ट वाई का RADR 10% है, जो कम है रिस्क वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% से। तो मेरा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट वाई तो क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। और मेरा 18% है RADR एक्स का, जो मेरा ज्यादा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मेरा एक्स क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मेरा डिसीजन रहेगा, रिजेक्ट एक्स एंड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट वाई। मेरा ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट दिख रहा है। तो ठीक है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस का कंसेप्ट है, जहां पे हमने सीखा था कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए तो हम उसको डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर जाते हैं। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 38। क्या हम 38 कर सकते हैं? यस सर। अ फर्म डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज DOL डिपेंड्स प्राइमरी अपॉन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज DOL। हमने कहाँ पढ़ा था सर, लीवरेजेस के चैप्टर्स में पढ़ा था। लीवरेजेस में हम DOL निकालते थे। DOL कैसे निकलता था, मेरा परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EP, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो मेरा यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डिपेंड्स प्राइमरी अपॉन
सबसे ज्यादा डिपेंड सब पे हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, मेरा किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्लोजनेस टू इट्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. मेरा क्लोजनेस टू ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, जो मेरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट जिसकी बात मैंने अभी करी थी, ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, जहां जो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये ब्रेक इवन पॉइंट होता किस जगह पे है, जहां पे मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन और इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और जहां पे मेरा वो जहां पे मेरा लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईबीआईटी इज निल. तो मेरा क्लोजनेस टू ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मेरा प्राइमरी डीओएल से रिस्पॉन्सिबल रखता है. ठीक है सर, यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज कैन बी डिटरमाइंड बाय द ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस. मेरा स्टडी मटेरियल में भी ब्रेक इवन पॉइंट के एनालिसिस की बात है, वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि जो मेरा डीओएल है वो मेजर किया जा सकता है विद ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस. तो मेरा इससे क्या पता चलता है कि मेरा जो DOL है, प्राइमरी डिपेंडेंट अपॉन क्लोजनेस ऑन द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. नेक्स्ट 39th, हम 39th क्वेश्चन पे हैं. 39th क्वेश्चन, एन EBIT EPS इनडिफरेंस एनालिसिस चार्ट. ये हमने कहाँ पढ़ा था, कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में पढ़ा था. कैपिटल स्ट्रक्चर में हम इनडिफरेंस पॉइंट निकालते थे, जिससे मैंने कहा है इनडिफरेंस पॉइंट. इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता था, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच, कहाँ पे, एट विच द ईपीएस ऑफ टू कैपिटल स्ट्रक्चर्स रिमेन सेम. जहां पे मेरा उस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे मेरा इंडिफरेंस पॉइंट होता था, मैंने आपको पूरा चार्ट बना के दिखाया था, आपके स्टडी मटेरियल में भी है. इंडिफरेंस पॉइंट ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, हमने यहाँ पे क्या एनालिसिस करना है, इंडिफरेंस पॉइंट वहां होता है जहां पे मेरा ईबीआईटी, उस लेवल पे ईबीआईटी जहां पे मेरा ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर दो कैपिटल स्ट्रक्चर पे सेम रहे. दो कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मैं डेब्ट और इक्विटी कंपेयर कर रहा हूँ, डेब्ट या प्रेफरेंस शेयर्स कंपेयर कर रहा हूँ. ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस रिस्क, ये बिजनेस रिस्क के लिए नहीं है. एग्जामिनिंग द ईपीएस रिजल्ट्स फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स एट वेरिंग ईबीआईटी लेवल्स, ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है. क्यों, क्योंकि मेरा इंडिफरेंस पॉइंट वो लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पे ईपीएस दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर का सेम है. तो हम एग्जामिन कर रहे हैं ईपीएस रिजल्टिंग इन ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स. मेरे ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स क्या हो सकते हैं, डेब्ट हो सकता है, या इक्विटी से फाइनेंसिंग हो सकती है, या प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंसिंग हो सकती है. ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान एट वेरिंग ईबीआईटी लेवल्स. तो मेरा ये चार्ट ये सबसे ज्यादा एनालिसिस करता है. हम ऑप्शन बी को ऑप्ट कर जाते हैं. नेक्स्ट वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 40. हम क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ब्रेक इवन एनालिसिस, हम ऑपरेटिंग लीवरेज का ही ब्रेक इवन एनालिसिस की बात कर रहे हैं. इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट राइजेस एंड ऑल द अदर वेरिएबल रिमेन कॉन्स्टेंट, द ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, यूनिट्स में विल, मेरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकलता कैसे है. मैंने अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकलता है कैसे सर, मेरा निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मेरा सेलिंग प्राइस राइज हो जाता है, मेरा अगर सेल्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव कंट्रीब्यूशन, ये हम जानते हैं इनकम स्टेटमेंट में, अगर मेरी सेल्स बढ़ जाती हैं, सेल्स मेरी बढ़ जाती हैं, वेरिएबल कॉस्ट उतना ही है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीज कर जाता है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाता है, सपोज करो मेरा यहाँ पे 10 से 12 हो जाता है और यहाँ पे 1000 है या 100 है, तो पहले मेरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट 10 था, अब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज. इफ माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल इंक्रीज, माई डिनोमिनेटर विल डिक्रीज एंड माई फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम. यहाँ पे लिखा है ऑल द अदर वेरिएबल रिमेन कॉन्स्टेंट. अदर वेरिएबल में क्या आ जाता है? फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर मेरी फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहती है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कर जाता है, तो इट इम्प्लाइज माई ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स विल फॉल. वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद एनालिसिस ऑफ फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं. वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 41. एबीसी लिमिटेड हैज अ कैश ऑफ 1 लाख दैट विल बी इन्वेस्टेड इन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड हैज अ बीटा ऑफ 2.25. ये मेरा क्या है? बीटा है. इनिशियल कैश मेरा है 1 लाख. 1 लाख का कैश है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. मुझे बीटा 2.25 दे दिया. करंट रिस्क फ्री रेट, मेरा रिस्क फ्री रेट क्या है? 2.5. दिस इज माय व्हाट रिस्क फ्री रेट. एंड द मार्केट रिक्वायर्स 8% रिस्क प्रीमियम. मेरा 8% रिस्क प्रीमियम है. व्हाट रिटर्न शुड द एबीसी एक्सपेक्ट टू अर्न. मुझे क्या निकालना है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से के निकालना है. मेरा के क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा कोफिशियंट एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. मेरा रिस्क फ्री रिटर्न कितना है? 2.50. बीटा इज 2.25 और एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट मेरा ये जो है, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ये मेरा क्या है? रिस्क प्रीमियम. मुझे रिस्क प्रीमियम इकट्ठा दे रखा है 8%, तो 8 में मल्टीप्लाई कर दूंगा. 2.50 प्लस यहाँ पे करेंगे 18, यहाँ पे 2.50, 2.25, 2.25 into 8 is 18 plus 2.5. This will give me what? This will give me 20.50%. This is my KE. और यहाँ पे मुझे निकालना है what return should ABC Limited expect to earn. Return मुझे रुपीज में निकालना है, रुपीज में. तो मैं return कैसे निकालूंगा? My return will be equal to 1 lakh into 20.50%. 1 lakh मैं invest कर रहा हूँ और 20.50% मैं कमा रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,500 रुपए. तो मेरा आंसर है 20,500. आंसर इज डी. मेरे को इन रुपीज में क्वेश्चन में निकालना है. दिस इज माय परसेंटेज और मैं 1 लाख के ऊपर 20,500 निकाल लूंगा. ठीक है सर, समझ आती है? यस सर, हम समझ रहे हैं. एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 42. रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? जो मेरे अर्निंग्स को रिटेन किए जा रहे हैं, या तो मेरा प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या रिटेन अर्निंग्स हो जाती है. ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स आर द इंडिकेशन ऑफ कंपनी लायबिलिटी. नहीं, बिल्कुल नहीं. एज द सेम एज कैश इन बैंक. बिल्कुल नहीं. नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन डिटरमाइनिंग द डिविडेंड्स. नो, इट इज इंपॉर्टेंट. द क्यूमुलेटिव earnings of the company after dividend. Yes, this is the cumulative earnings of the company after dividend. Dividend देने के बाद भी मेरी cumulative earnings जो business में retain हो रहा है, पैसा business में लगाया जा रहा है, business में invest किया जा रहा है, that is my retained earnings. ठीक है, we are on question number 43. क्वेश्चन नंबर 43 को भी क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल नहीं है अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो. हम हमारे पास क्या है? दो स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, गिवन बिलो द स्टॉक ए एंड बी. एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरे को दे रखा है, बीटा मेरे को दे रखा है. इफ द एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 0.09 एंड रिस्क फ्री रेट इज 0.05, विच सिक्योरिटी वुड बी कंसिडर्ड बेटर बाय एंड व्हाई. मेरे को यहाँ पे ए एंड बी का अलग अलग एनालिसिस करना है. अगर मैं ए की बात करूं तो ए के लिए मेरा क्या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से मैं के ई निकालना चाहूं, तो मेरा रिस्क फ्री रेट क्या है? 5%. मैं 0.05 को 5% मान सकता हूं, इसको मैं 9% मान सकता हूं परसेंटेज में. तो 5% प्लस बीटा मेरा क्या है? 1.2. मैं ए की बात कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे
यहाँ पे मेरा क्या है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 9% माइनस 5%, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1.2 प्लस 5, मेरा ये आ जाएगा 9.8%। ठीक है, दिस इज फॉर ए। ऐसे ही मैंने बी का के ई निकाल लेना है, बी का भी के ई रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मेरा 1.8 है, बी का 9 माइनस 5, दिस विल बी इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1.8 प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू 12.2%। ये मेरा क्या है, 12.2% है। ठीक है सर, अब मुझे क्वेश्चन बता रहा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये मेरा एक्सपेक्टेड रेट है, दैट इज माय आर एंड दिस इज माय के ई। तो मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट अलग है, ए का अलग दे रखा है, बी का अलग दे रखा है। ए का मुझे क्वेश्चन 12% 14% बता रहा है, दिस इज 12, 0.12 इज 12 एंड दिस इज 14, और मेरा एक्चुअल रिटर्न जो मुझे के ई देगा दैट इज 9.80% एंड 12.20%। तो मुझे यहाँ पे एक्सेस मिलने वाला है, एक्सेस यहाँ पे कितना है 2.20 और यहाँ पे 1.80। तो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है विच सिक्योरिटी बी कंसिडर्ड बेटर, कौन सी बेटर है जिसमें मेरा एक्सेस ज्यादा है। दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला 12 और 9.80, एक्सेस मेरा 2.20 ए में ज्यादा है, तो हम सिलेक्ट करेंगे ए। ए को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज इट ऑफर्स एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न ऑफ 2.2%। माय आंसर इज सी। तो मुझे दो दो इन्फॉर्म दो स्टॉक की इंफॉर्मेशन है ए एंड बी। मैंने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला लगाया, सी ए पी एम, के ई निकाला और के ई और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करके एक्सेस निकाला। एक्सेस जिस भी स्टॉक का ज्यादा है वो मेरा ऑप्ट कर लिया जाता है। इट इज बेटर ऑलवेज टू ऑप्ट दैट स्टॉक विच इज हैविंग एक्सेस मोर। तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करना चाहते हैं, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विद डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी। डिविडेंड के चैप्टर में मेरा कौन सा चैप्टर यहाँ पे याद आ रहा है, डिविडेंड। डिविडेंड के मेरे कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो मुझे डिविडेंड की कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए कंसिडर करती है, लेकिन मेरी इररिलेवेंट थ्योरी कौन सी है, जैसे मेरी एमएम थ्योरी क्या आती है, मोदी गिलानी एंड मिलर, कि मेरा डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो इट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो मेरी कौन सी कंसिस्टेंट है स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर द सोल डिटरमिनेंट ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ। मुझे ये बिल्कुल सही लग रही है क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिटरमिनेंट होते हैं शेयर होल्डर वेल्थ के। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेकिंग होम बेस्ड डिविडेंड कॉजेज इन्वेस्टर टू इनकर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, गलत है। कंपनी विल स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी बिल्ड अप द शेयर होल्डर, ये भी गलत है। इन्वेस्टर्स लाइक टू मेंटेन द रियल वैल्यू ऑफ द डिविडेंड पेमेंट, ये भी गलत है। तो मुझे इररिलेवेंट थ्योरी, जैसे एमएम थ्योरी है, वो क्या कहती है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मैं जो भी स्टॉक में पैसा लगाऊं, जिसमें भी मैं इन्वेस्ट करूं, आर सोल डिटरमिनेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ, वही मेरा डिटरमाइन करता है मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी है, और डिविडेंड को क्या करता है, डिविडेंड को इग्नोर करता है। ठीक है सर, एमएम थ्योरी इसके लिए हम याद करते हैं। नेक्स्ट हम कौन से क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्या हम क्वेश्चन नंबर 45 करने के लिए तैयार हैं? यस, हमारे सिर्फ 15 क्वेश्चन रह गए हैं क्योंकि हमारे टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। द डैश इज द प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग्स, हमारा डैश क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग्स दैट आर पेड टू द कॉमन शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड। मेरा जो कैश डिविडेंड मुझे शेयर होल्डर को मैं दे रहा हूँ, दैट आई एम पेइंग, तो वो क्या है, रिटेंशन रेट है, नहीं है, मार्जिनल रेट भी नहीं है, ग्रोथ रेट भी नहीं है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना भी मेरा डिविडेंड पे हो रहा है वो मेरा क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द अर्निंग्स। इतना परसेंटेज मेरे अर्निंग्स का क्या जा रहा है, पे किया जा रहा है शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 46। हम क्वेश्चन 46 पे पहले मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेजिडुअल
डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन है, रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी की आपके पूरे स्टडी मटेरियल में कोई बात नहीं है, फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, हम इसको समझना चाहते हैं। चांद कम्युनिकेशन CFO हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द कंपनी कैपिटल बजट इज एक्सपेक्टेड टू बी 50 लाख, मेरा कैपिटल बजट दे रखा है 50 लाख का। द कंपनी टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में 70% मेरा डेप्ट है, 30% मेरा इक्विटी है, मतलब मेरा डेब्ट कितना है 70% कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी मेरा है 30%, ठीक है। नेट इनकम इज 45 लाख रुपीज, 45 लाख रुपीज की मेरी नेट इनकम है। इफ द कंपनी फॉलोज अ रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ नेट इनकम शुड इट पे आउट ऑफ द डिविडेंड दिस ईयर, मतलब रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है सर? रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी जब फर्म फॉलो करती है तो फर्म क्या करती है, होल्ड जीरो एक्सेस कैश, जीरो एक्सेस कैश एट एनी पॉइंट, किसी भी समय पे मेरे पास जीरो एक्सेस कैश है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट पोर्शन ऑफ नेट इनकम शुड इट पे आउट ऑफ द डिविडेंड दिस ईयर, मतलब नेट इनकम मेरी है 45 लाख की, उसमें से कितना पोर्शन मैं डिविडेंड बांट दूं। अब ये पता कैसे लगेगा, मेरा एक डिविडेंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जिसको मुझे यहाँ लगाना है, डिविडेंड विल बी इक्वल टू नेट इनकम, नेट इनकम में से मैं माइनस कर देता हूँ टारगेट इक्विटी, इक्विटी का रेशियो, इक्विटी शेयर्स का रेशियो इनटू करूंगा मैं टोटल कैपिटल बजट, इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। मैंने ये फॉर्मूला आपको नहीं कराया हुआ इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। मेरा नेट इनकम क्या है 45 लाख, 45 लाख में से मैं क्या माइनस करूं, टारगेट इक्विटी रेशियो, टारगेट इक्विटी रेशियो 30% जो मेरा क्वेश्चन बता रहा है, और मेरा कैपिटल बजट कितना है दैट इज 50 लाख, तो मेरा ये कितना आ गया 45 लाख माइनस 15 लाख, मेरा ये कितना आ गया 30 लाख, 30 लाख मेरा निकल आया है कि मैं 30 लाख डिविडेंड बांटूंगा, व्हाट इज 30 लाख डिविडेंड, तो मैं अब डिविडेंड मुझे पता चल गया है 30 लाख डिविडेंड बटेगा, अब मेरा रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी है और मुझे पूछ रहा है व्हाट पोर्शन ऑफ इट्स नेट इनकम शुड इट पे, मेरे को नेट इनकम के पोर्शन के हिसाब से निकालना है, नेट इनकम 45 लाख है और मेरा डिविडेंड पता मुझे लग गया है 30 लाख, तो कितना परसेंटेज नेट इनकम का मैं डिविडेंड बांट रहा हूँ, परसेंटेज के लिए मैं 30 लाख को 45 लाख से डिवाइड करूंगा, इनटू कर दूंगा 100, 35 डिवाइडेड बाय 45, 30 डिवाइडेड बाय 45 इनटू 100, दिस विल कम एज 66.67%, तो मेरा इतना परसेंटेज, माय आंसर विल बी डी 66.67%, मेरा इतना परसेंटेज ऑफ नेट इनकम डिविडेंड बट रहा है इफ द कंपनी फॉलोज द रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कैसे मैंने निकाला डिविडेंड, डिविडेंड विल बी इक्वल टू नेट इनकम माइनस इक्विटी रेशियो, जितना टारगेट कंपनी कर रही है 30% इक्विटी रेशियो, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरा कैपिटल बजट से जो मेरा आएगा दैट इज डिविडेंड, ठीक है, समझ आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मुझे सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और देखनी है कि कौन सी सही है। द बीटा ऑफ द स्टॉक इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द कोरिलेशन विद द मार्केट, बिल्कुल सही है, प्राइमरी डिटरमाइन की जाती है विद द कोरिलेशन ऑफ द मार्केट। सिक्योरिटी दैट फॉल विद द SML स्ट्रेट SML का क्या मतलब है, SML है मेरा सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये मैंने कहाँ पढ़ा था पोर्टफोलियो में, जो मेरी सिक्योरिटीज दैट फॉल अबव सिक्योरिटी मार्केट लाइन आर अंडर वैल्यूड, क्या वो अंडर वैल्यू होती है, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, सिक्योरिटीज दैट फॉल बिलो द SML are undervalued, no, these are not, that will be overvalued. Security that fall on the security market line has no intrinsic value to the investors.
क्या उसमें नो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? ये भी गलत है. द रिस्क फ्री रेट डिफाइंस वेयर द SML इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस. दिस इज राइट. मेरा रिस्क फ्री रेट वहां पे इंटरसेक्ट करता है जहां पे मेरा SML सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज ऑल्सो अ डिफरेंट नेम फॉर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. ये मैंने पोर्टफोलियो में आपको करा रखा है. पोर्टफोलियो में हमने ये पढ़ा है. इसको मैं क्या करूंगा, 1, 2 एंड 5 इज करेक्ट. तो 1, 2 एंड 5 दिस इज माय सी. सी का मेरा आंसर राइट है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48. द एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न इज 15% नेक्स्ट ईयर. रिस्क फ्री रेट 7%. द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक इज 17.4. व्हाट इज द बीटा ऑफ द स्टॉक. मैं बीटा निकालना चाहता हूं. मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. मेरा के ई कितना दे रखा है, दिस इज माई के ई 17.40 विल बी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट इज 7% प्लस बीटा मुझे पता नहीं है. एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट इज 15%. तो मैं 15 माइनस रिस्क फ्री रेट, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा. 17.40 माइनस 7 will be equal to 15 minus 7, that will be equal to 8 beta. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10.40 will be equal to 8 beta. और this implies beta will be equal to 10.40 divided by 8. मेरा आ जाता है 1.30. तो 1.30 will be my answer. हमने कुछ नहीं किया, capital asset pricing model में सारी information थी, बस एक beta का information नहीं थी, वो मैंने यहाँ calculate कर दिया. ठीक है सर, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 49. हम 49 कर रहे हैं. 49 भी मेरा कहाँ से है, पोर्टफोलियो के चैप्टर से है. द कोवेरियंस ऑफ द मार्केट रिटर्न विद द स्टॉक इज 0.088. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट इज 8%. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक इज 11%. व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट. तो मेरा ये कैसे निकलता है, इसका क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट रिटर्न्स विल बी इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन मार्केट एंड स्टॉक एंड डिवाइडेड बाय, जो मेरा कोवेरियंस मार्केट रिटर्न और स्टॉक का दे रखा है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक. तो इसका मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 0.008 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न इज 8%. 8% को मैं लिख सकता हूँ 0.08 एंड मल्टीप्लाई करूंगा मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक 11%. 11% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. कैलकुलेटर मैं करूं अगर 0.08 into 0.11, दिस विल बी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.008 डिवाइडेड बाय 0.0088. तो ये मेरा आ जाता है 0.008 डिवाइडेड बाय 0.0088. मेरा आ जाता है 0.909. क्या आपका भी इतना आता है, मैं राउंड ऑफ करके कह सकता हूँ 0.91. तो मेरा ये आंसर 0.91 पॉजिटिव में कोरिलेशन कोफिशिएंट ऐसे निकल जाता है. ठीक है सर, कोरिलेशन कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया. क्वेश्चन नंबर 50. एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ द स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो द सिस्टमैटिक रिस्क किससे कैलकुलेट होता है, बीटा से, जो मेरा मार्केट रिलेटेड रिस्क है. जब मैं स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में बढ़ा देता हूँ तो मेरा सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, क्या वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, जो मेरा मार्केट रिलेटेड रिस्क है. सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, मार्केट से रिलेटेड रिस्क, जो मेरा इन्फ्लेशन है, जो मेरा इंटरेस्ट रेट है, क्या इंटरेस्ट रेट से मेरे पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक हैं वो बढ़ जाए कम हो जाए कुछ फर्क पड़ता है, नहीं. इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज. जो मेरा सिस्टमैटिक रिस्क है वो अनइफेक्टेड रहता है, सेम रहता है. नेक्स्ट वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 51. करंट रेशियो इज 4.1, नेट वर्किंग कैपिटल इज 30,000. फाइंड आउट द करंट एसेट्स. ये मेरा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, रेशियोज. रेशियोज मेरे एफएम में
नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। मैंने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, ऐसे इसके जो मेरे बेसिक वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन है, ये मेरा वर्किंग कैपिटल और रेशियो दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे बेसिक रेशियोज हैं, जो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पढ़ाए थे, कवरेज रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, वो यहाँ पे याद रखेंगे। मेरे को पता है मेरा क्या इस क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, मेरे करंट रेशियो मेरा कैसे निकलता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ऐसे निकलता है। मुझे 4:1 ये पता है, और मुझे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो दिस इंप्लाइज 4 करंट लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू करंट एसेट्स, ये मेरा ये निकल गया, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। और मुझे पता है नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल मुझे 30,000 दे रखी है, करंट एसेट्स मेरे पास कितने आए थे यहाँ पे, 4 करंट लाइबिलिटीज, तो मैं 4 करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज कह सकता हूँ। हाँ सर, कह सकते हो, 30,000 विल बी इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटीज, दिस इंप्लाइज करंट लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू 10,000, मेरे करंट लाइबिलिटीज 10,000 आ गई, और मेरी करंट एसेट्स कितने आ जाएंगे, मेरे 4 into करंट लाइबिलिटीज, तो 4 into 10,000 मेरा क्या आ गया, 40,000 विल बी माई करंट एसेट्स। तो क्या मेरा 40,000 ऑप्शन है, यस। तो मेरे कुछ नहीं मैंने किया, करंट एसेट का फॉर्मूला लगाया और नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाया और करंट एसेट्स मैंने निकाल लिए, ठीक है, समझ आती है बात, ठीक है सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाइनेंस्ड फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से मेरी कौन कौन सी फाइनेंस नहीं हो सकती, मैंने ये कहाँ पढ़ाया था, फाइनेंसेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसेस में मैंने पढ़ाया है, वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में। क्या कैश फ्लोट हो सकता है, यस हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है, क्रेडिट सेल्स भी मेरे फाइनेंस हो सकते हैं, अ न्यू पर्सनल कंप्यूटर फॉर द ऑफिस ये नहीं हो सकता, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से क्या मैं पर्सनल कंप्यूटर ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन टोटल करंट एसेट्स एक्सीड, व्हेन द टोटल एसेट करंट एसेट्स एक्सीड द टोटल करंट लायबिलिटीज, When the total current assets exceed the total current liabilities, it refers to working capital. Working capital refer करता है current assets minus current liabilities. मेरा working capital का formula क्या है? Current assets minus current liabilities. Next. We are on question number 54. In the balance sheet, amount of total asset is 10 lakh, current liabilities 5 lakh, and capital and reserves are 2 lakh. What is the debt equity ratio? ये भी मेरा रेशियो की बात कर रहा है. डेब्ट इक्विटी रेशियो मेरा क्या है? ये मेरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है पुरानी. द बैलेंस शीट टोटल एसेट्स मुझे यहाँ पे दे दिए, मुझे बता दिए टोटल एसेट्स इतने हैं 10 लाख, एंड मेरे पास करंट लाइबिलिटीज मुझे बता दी 5 लाख, और मेरे को टोटल लाइबिलिटीज भी मेरी 10 लाख है, एंड कैपिटल एंड रिजर्व यहाँ पे कैपिटल एंड रिजर्व बता दिए 2 लाख, तो मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मैं अगर एज्यूम करूँ, अगर मैं एज्यूम करूँ तो मेरा यहाँ पे 3 लाख क्या हो गया, डेब्ट हो गया, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या डिबेंचर्स जो भी मैं कह सकता हूँ, लोन कह सकता हूँ, तो मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो निकलता कैसे है, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, मेरा डेब्ट अगर मेरा 3 लाख है, इक्विटी मेरा 2 है, तो मेरा 1.50:1 आंसर होना चाहिए, 1.50:1 आंसर है। आंसर मेरे हिसाब से बी है, आपके लास्ट में अगर आप सॉल्यूशंस देखेंगे तो नन ऑफ द अबव आंसर है, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट ने किसी और तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन मेरी तरीके से मेरा जो आंसर है वो 1.50:1 आता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि यहाँ पे अगर हम एज्यूम करके आंसर निकालें तो 1.5 है, नहीं तो सफिशियंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नन ऑफ द अबव है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें हमने एज्यूम किया बैलेंसिंग फिगर इज डेब्ट, इसमें हमने एज्यूम कुछ भी नहीं किया तो नन ऑफ द अबव है, राइट, तो हम दोनों में से
कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55. क्या हम 55 करने के लिए तैयार हैं? यस, क्योंकि मेरे लास्ट के क्या रह गए हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस रह गए हैं और मेरे सारे क्वेश्चंस एफएम के होने वाले हैं. 55. अ प्रोजेक्ट हैज अप फ्रंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख. द प्रोजेक्ट वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% एंड इट्स एनपीवी इज 10%. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेरी अगर अप कॉस्ट मेरी 1 लाख की है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, एनपीवी 10,000 है, तो मेरी पहली स्टेटमेंट क्या है? द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड सिंस द रिटर्न इज लेस देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या वो रिजेक्ट कर देना चाहिए? नहीं, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. द प्रोजेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन 12%. मेरा ये अभी तक ठीक लग रहा है क्योंकि मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% से ज्यादा लग रहा है. क्यों? क्योंकि मेरा एनपीवी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पे 10,000 है. द प्रोजेक्ट मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन 12%. ये भी मुझे गलत लग रहा है. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मेरे को ये सही लग रहा है. मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है जिसको मैं कैसे समझा सकता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मेरा KO है, मेरा KO क्या है? 12% है. और जो मेरा IRR होता है, IRR में मेरा NPV क्या होता है? 0 होता है. एंड मेरा KO क्या है? मेरा जब IRR होता है, IRR के डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? एक्सेप्ट IRR इफ. एक्सेप्ट हम कब करते हैं? जब मेरा IRR is greater than equal to cost of capital, जहां जो मेरा यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. अब मेरी मजे की बात क्या है, IRR पे मेरा NPV क्या होता है? 0. और यहाँ पे 12% मेरा दे रखा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहां पे मेरा NPV है 10,000. सब कंसेप्ट सोचना है आपने. जब मेरा NPV 10,000 है, तो मेरा NPV क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज. ये मेरा 10,000 है 12% पे, और मुझे इसको 0 लेके आना है, तो मेरा ये कितना परसेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको क्या, मेरा परसेंटेज राइज होगा. इफ माई 12% से मैं डिस्काउंटिंग करके, मेरा 12% डिस्काउंटिंग करके सपोज करो 20% होता है, तभी मेरे क्या होगा, एनपीवी मेरा डाउन आएगा. तो मेरा प्रोजेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 100% 12% से ज्यादा है, क्योंकि मेरा एनपीवी यहाँ पे 10,000 दिखा रहा है और मुझे आईआरआर पे एनपीवी 0 लेके आना है. तो 12 से मैं क्या करूंगा, मेरा ज्यादा परसेंटेज पे एनपीवी मेरा कम जाएगा. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56 मुझे ये है, क्वेश्चन नंबर 56 के लिए इंफॉर्मेशन यूज करनी है. द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल रिलेटिंग टू हाई परफॉर्मेंस ऑफ रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ हाई वेरियंस स्टॉक फंड. हाई वेरियंस स्टॉक फंड की मुझे इंफॉर्मेशन है, मार्केट पोर्टफोलियो की. मुझे क्वेश्चन कहाँ से दिख रहा है? पोर्टफोलियो के चैप्टर से. हाई वेरियंस मार्केट पोर्टफोलियो एवरेज रिटर्न मेरा 19% है, 12%. स्टैंडर्ड डेविएशन अलग दे रखा है, बीटा अलग दे रखा है. रेजिडुअल स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क फ्री रिटर्न यूजिंग द सैम्पल पीरियड इज 6%. अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द शार्प मेजर? शार्प मेजर का मतलब क्या है? मुझे शार्प रेशियो निकालना है ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ हाई वेरिएंस स्टॉक फंड. मुझे हाई वेरिएंस स्टॉक फंड की इंफॉर्मेशन में, जिसका हाई वेरिएंस है, जिसका हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो लेना है. मुझे पता है कि मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस के हिसाब से आता है. तो वेरिएंस इज अ मेजर. वेरिएंस को मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन से मेरा डबल होता है. तो मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड, इसको मैं कंसिडर करूंगा, एवरेज रेट को कंसिडर करूंगा. शार्प रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया था? एवरेज रिटर्न
माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरा एवरेज रिटर्न कितना है यहाँ पे 19%। 19% को मैं 19 लिखूंगा, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न 6, मेरा यहाँ पे 6 है, डिवाइडेड बाय व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, रिटर्न का। तो मैं इसको कैलकुलेट अगर करूं तो मेरा क्या आ जाता है, 19 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 35, दिस विल कम एज 0.3714, और अगर मैं इसको परसेंटेज में मानूं तो 37.14%। तो 37.14% मेरा क्या है, शार्प मेजर है, शार्प रेशियो है। इसमें मेरा बीटा और रेजिडुअल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। इसको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन इग्नोर करनी होती है, सिर्फ फॉर्मूला लगा के आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। नेक्स्ट हम 57 पे हैं। सपोज यू ओन टू स्टॉक ए एंड बी। इन द ईयर वन स्टॉक ए अर्न्स 2% रिटर्न, स्टॉक बी अर्न्स 9% रिटर्न। इन द ईयर टू स्टॉक ए अर्न्स 18% रिटर्न, स्टॉक बी अर्न्स 19% रिटर्न। विच स्टॉक हैज अ हायर ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न। मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको पोर्टफोलियो में बताया था कैसे निकलता है। मेरी ए और बी दो स्टॉक हैं और ईयर के हिसाब से मुझे इंफॉर्मेशन है, मेरी रिटर्न के हिसाब से ईयर वन ईयर टू। मैं क्वेश्चन में अगर देखूं तो स्टॉक ए अर्न्स 2% इन ईयर वन एंड स्टॉक बी अर्न्स 9%, और यहाँ पे मेरा 18% और यहाँ पे 11%। तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, 2 × 18 करूंगा एंड 9 × 11 करूंगा, मेरा यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 99 आ जाएगा। और मेरी इंफॉर्मेशन कितनी है, 2 ईयर्स की है, तो मैं जितना एन मेरा होता है उसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा। तो मेरा यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 99 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन इधर 6 आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट इज 6 एंड 99 का स्क्वायर रूट इज 9.95। तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन किसका ज्यादा आ रहा है, स्टॉक बी का ज्यादा आ रहा है। ऐसे मैं ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकाल सकता हूँ। अर्थमेटिकल मीन मेरा सिंपल तरीके से निकलता है, यहाँ पे मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दो दो सालों की इंफॉर्मेशन है तो मैं उसका स्क्वायर रूट कर गया। ठीक है सर, समझ आती है बात। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 58। इन्वेस्टर मे बी विलिंग टू पे प्रीमियम फॉर स्टेबल, प्रीमियम पे कर सकते हैं फॉर स्टेबल डिविडेंड बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ डैश, द डिजायर ऑफ द इन्वेस्टर फॉर डैश एंड सर्टेन डैश। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि इसको इसको थोड़ा सा सारे सारे मेरे जो ऑप्शंस है ए सही लगेंगे कहीं ना कहीं। इन्वेस्टर्स विलिंग कर रहे हैं टू पे अ प्रीमियम, पहले मैं एक चीज को ढूंढता हूँ। इन्वेस्टर मे बी विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर स्टेबल डिविडेंड बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशंस। क्या आपको ये लग रहा है, इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशंस की इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या लेगा इन्वेस्टर, इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ डिविडेंड। इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ डिविडेंड ये हो सकता है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ करंट इनकम ये भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशंस ये नहीं हो सकता। तो ये और ये दो कट गए। द डिजायर ऑफ इन्वेस्टर फॉर, डिजायर ऑफ इन्वेस्टर फॉर डिविडेंड हो सकता है, और यहाँ पे डिजायर फॉर इन्वेस्टर फॉर करंट इनकम हो सकता है, एंड सर्टन इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन, सर्टन इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन। तो इन दोनों में से मेरा कोई आंसर है। अब इसको ढूंढना कैसे है, फिर से पढ़ते हैं। इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। इन्वेस्टर मे बी विलिंग टू पे अ प्रीमियम, इन्वेस्टर प्रीमियम पे करना चाहता है फॉर स्टेबल डिविडेंड, डिविडेंड स्टेबल के लिए बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ डिविडेंड। अगर मैं इसको मानू, इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ डिविडेंड, द डिजायर ऑफ इन्वेस्टर फॉर करंट इनकम एंड सर्टन इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशंस, ये मुझे सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे स्टेबल डिविडेंड के ऊपर इन्वेस्टर पे कर रहा है प्रीमियम फॉर स्टेबल डिविडेंड। डिविडेंड्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था इन्वेस्टर प्रेफर स्टेबल डिविडेंड बिकॉज इंफॉर्मेशनल
कंटेंट, उसको कंटेंट कहाँ से मिला, डिविडेंड जो पिछले साल के हैं, द डिजायर ऑफ द इन्वेस्टर फॉर करंट इनकम, डिजायर उसकी क्या है इनकम की है, एंड इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन, ये बेस्ट ऑप्शन है। ये भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके ऑप्ट कर सकते हैं। मेरे आंसर में आपकी स्टडी मटेरियल में ये ऑप्ट किया हुआ है, तो यही बेस्ट मुझे भी लग रहा है, तो हम बी को ऑप्ट कर जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू एक्सप्लेन व्हाई अ कंपनी डिसाइड्स टू इंक्रीज इट्स एनुअल डिविडेंड, कौन सा फैक्टर मुझे ये बताएगा कि कंपनी मेरा इंक्रीज करना चाहती है एनुअल डिविडेंड। द फर्म बिलीव बाय द मैनेजमेंट दैट डिविडेंड रिप्रेजेंट्स अ रेजिडुअल पेमेंट, मुझे ये फैक्टर कुछ ज्यादा नहीं ठीक लग रहा। द लार्ज नंबर ऑफ डिजायरेबल प्रोजेक्ट्स, ये भी कुछ खास नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स शेयर्स आर ओन्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये भी कुछ खास नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स शेयर्स आर ओन्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर मेरे बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओन करते हैं तो मैं क्या करूंगा, तो इट्स एक्सप्लेन कि मेरे कंपनी डिसाइड करेगी इट्स एनुअल डिविडेंड। क्यों? क्योंकि मेरे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनुअल डिविडेंड आए और मेरा इंक्रीज होके रिटर्न आए। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता क्या है, जहाँ पे मेरी फाइनेंसिंग होती है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जैसे मेरे हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के जो होते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के जैसे टोल ब्रिजेस जहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे मेरी जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है वो मेरे फाइनेंसिंग होती है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। तो इज एप्रोप्रिएट फॉर विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट के लिए है, लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स को मैं क्या कहता हूँ, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के वाले प्रोजेक्ट्स, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है सर, मैंने आपको सारे MCQs करा दिए हैं, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड रिवाइज इट अगेन वन टाइम नाउ एंड वन टाइम बिफोर द एग्जाम्स। इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कोई डाउट है, कोई आपको नहीं समझ आया है, नीचे कमेंट कीजिए, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट दैट मैक्सिमम स्टूडेंट शुड गेट द बेनिफिट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।